Hello? Yes. Yes sir, very good. इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेलकम दिस इज विजय वेडा आज है लेक्चर नंबर टू सी एंड सी एम एनल डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेस का वैसे मैं आपको लेक्चर के अंदर में कल सारी चीजें बता चुका हूं कल जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू आप सभी को पता होगा मैंने मॉर्निंग में लेक्चर वापस से अपडेट करवा दिया था राइट ताकि आप उसको देख पाए लेक्चर नंबर टू आज है और आज हम लोग बहुत सारे और डिस्कशन करने वाले हैं लेकिन डिस्कशन से पहले आपको कुछ चीजें फटाफट याद दिला देता हूँ हिस्ट्री क्या थी याद रखिए जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन इस कंसेप्ट चालू हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और इन टैक्सेस को अगेन देंगे किस फॉर्म के अंदर में सर्विसेज के फॉर्म में नो देन इसके बाद में में 1922 के अंदर पहली बार एक्ट बना 1961 के एक्ट uh, वापस आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड रूल्स आए नाइनटीन सिक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड देर आर टू नाइन सेक्शन शेड्यूल्स क्यों जरूरी है ये समझना ताकि कल चल के आपको पता चले कि जब आप एक्ट उठाओ तो वर्क कैसे करता है मेजर वेबसाइट्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था डिस्कस किया था उसके बाद में ई फाइलिंग इनकम टैक्स मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा कहा कौन सी चीज को यूज करना है ये yes सोनो no? फिर हमने देखा था इनकम टैक्स ने एक बाई डिफॉल्ट में इनहर पावर अपने पास रखा सेक्शन टू नाइनटी एट सेक्शन 298 के अंदर में हमने क्या किया था सेक्शन 298 के अंदर में हम लोगों ने किया था कि भैया अगर इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में कोई डिफिकल्टी आती है तो सीबीडीटी जनरल या स्पेशल ऑर्डर लेके आ सकता है बट इट शुड नॉट बी भी इनकंसिस्टेंट विद एक्ट याद आ रहा है कल मैंने आपको आईसीडीएस का एग्जाम्पल लेते हुए भी इसको समझाया था फिर मैंने आपको बताया था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है मतलब क्या इन्हें सपना आता है कि हाँ यार एक काम करो चलो यू नो चलो एक अमेंडमेंट कर देते हैं सपना नहीं आता है सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर में कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है जिसके कारण क्या किया जाता है ये चेंजेस किए जाते हैं तो लॉ मेकर लॉ बनाते हैं पहले क्या बनता है जल्दी से बोलो बिल मैंने आपको बताया था कल फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल डिस्कस होता है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में और फिर जाकर के ये क्या बन जाता है एक्ट बन जाता है लॉ इंप्लीमेंटर्स होते हैं लॉ को क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं इसकी पूरी हेरारकी है चैप्टर नंबर टू के अंदर में मैंने आपको बताया था आपकी पूरी हरारकी क्या करेंगे समझेंगे फिर तीसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी लॉ इंटरप्रेटर्स राइट यहाँ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसा है क्या हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाते हैं भाई साहब आंसर इज नो हम कहा जाते हैं जल्दी से बताइए सबसे पहले सीआईटी अपील अपील्स के बाद कहां जाते हैं आई फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ये हमारा हेरारकी था सुप्रीम कोर्ट से पास किया गया कोई भी ऑर्डर क्या बन जाता है लॉ ऑफ लैंड बन जाता है ये हम लोगों ने देखा था यस और नो राइट चलिए जी चलिए जी यहां से हम आगे बढ़े थे हमने देखा था कि भैया टैक्स के अंदर में बहुत स्कोप है दैट इज स्कोप ऑफ इनकम टैक्स जब हम इनकम टैक्स पढ़ते रहते हैं इट इज नॉट ओनली द इनकम टैक्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट देन रूल्स देन नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड बोलो जल्दी से केस लॉस जी केस लॉस क्या सरपास कर सकता है क्या इट इज द क्वेश्चन सी अंडरस्टैंड केस लॉ और नोटिफिकेशन इन दोनों अलग अलग पॉइंट पे आते हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू क्या होता है केस लॉ क्या एक्ट को सरपास कर सकता है क्या आंसर इज येस केस लॉ को ओवरराइड किया जा सकता है मतलब एक्ट को ओवरराइड किया जा सकता है थ्रू केस लॉ इसके विपरीत भी एक और सिचुएशन है इसके विपरीत भी एक और सिचुएशन है केस लॉ को भी ओवरराइड किया जा सकता है बाय बिंग रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ केस लॉ को भी ओवरराइड किया जा सकता है बाय बिंगरिंग रेट्रोस्पेक्टिव अमेडमेंट इन लॉ One, जब भी कोई केस लॉ आता है एक्ट में क्लैरिटी ना होने के कारण आता है इसलिए ओवर ओवरराइड कर देता है कई बार ऐसा भी होता है जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार जाता है वहां रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ ला करके क्या किया जाता है इस केस लॉ को ओवर किया जा सकता है तो चलिए आगे बढ़ते मालिक अब आते हैं हम लोगों ने यह भी देखा था कि टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता क्या क्या कलेक्ट किया जाता है तीन चीजें कलेक्ट होती है टैक्स सरचाज एंड सेस सेस स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट रहेगा दूसरी चीज सरचार्ज जो होती है ये क्या होती है मालिक एडिशनल लेवी होती है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया याद होगा

हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पहली चीज जो हम लोग को देखनी है हाँ एक और डिस्कशन बाकी है एक और डिस्कशन बाकी है जल्दी से बताओ बजट कोई भी अमेंडमेंट जो आते हैं वो अमेंडमेंट्स कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और बजट में पेश किया जाता है कितने प्रकार के बजट होते हैं दो तरीके के बजट होते हैं जल्दी बताओ कौन से दो बजट होते हैं इंटरम बजट एंड फाइनल बजट फाइनल बजट हर साल आता है इंटरम बजट जो होता है इसे इन द ईयर ऑफ इलेक्शन इशू किया जाता है यस अच्छा जी कब से एप्लीकेबल होता है फ्रॉम फर्स्ट आफ्टर अप्रिल बजट इंप्लीमेंट होता है बट सिंस हम पूरा इनकम टैक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं असेसमेंट ईयर की में लिखते है, इसका के अंदर में आता है और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देखिए अब भारत में जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं मदर ऑफ एवरी लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन सो

कदम रखा और क्या देखा वहां का नजारा बड़ा अद्भुत था चद्दर बिखरी हुई थी और उसके नीचे गोल्ड बिस्किट रखे हुए थे अब आप मुझे सोच करके बताइए नहीं आप जो सोच रहे थे वो मिलने नहीं वाला लेकिन बाथरूम से कुछ आवाज आ रही थी वो बाथरूम में गए बाथरूम में जाकर के जब देखा पानी टपक रहा था लेकिन उसके बाजू एक अलमारी पड़ी थी अलमारी खोल करके देखा तो काफी सारी बेनामी प्रॉपर्टी थी जो रखी हुई थी मुझे एक बात बताइए अक्षय एक सवाल जरूर पूछेगा यहां पे कौन सा सवाल पूछेगा कि भैया तुम्हें मेरे घर में एंटर करने का राइट दिया किसने दूसरी बात एक बिजनेसमैन भी तो एक सवाल पूछेगा आप सोच करके देखिए वो सुबह उठ के सात बजे क्या कर रहा है अपनी दुकान ओपन कर रहा है बिजनेस का रिस्क वो ले रहा है सारे कॉम्पिटिटर्स को वो फेस कर रहा है यस एवरीथिंग इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल गवर्नमेंट इज आस्किंग अ थर्टी परसेंट शेयर आउट ऑफ इज बिजनेस विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन so ना कि भाई मेरे को अगर टैक्स पे करना है तो इस टैक्स की वैलिडिटी क्या है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है इस बात का जवाब देते हुए

नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ तो जब टैक्स के वैलिडेशन की बात आई तो यहां पे बात आई नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इसका मीनिंग जरा सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं पॉइंट नंबर वन आपको याद है बात थी आठ नवंबर 2016 की मोदी जी आए मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों आज से हम नया टैक्स लगाते हैं विजय टैक्स जिस तरीके से 500 और हजार के नोट बंद किए गए थे क्या मोदी जी के पास यह पावर है कि वो नया एक्ट ही लागू कर दें नया टैक्स लागू कर आंसर इज नो वाई उन्हें आर्टिकल 265 होता है आर्टिकल 265 को इंटरप्रीट करते हैं बड़ा मजा आएगा चेक कीजिएगा नो no टैक्स किसी भी प्रकार का टैक्स ना लेवी कर पाओगे ना कलेक्ट कर पाओगे किसी भी प्रकार का टैक्स भारत में ना लेवी कर पाओगे ना कलेक्ट कर पाओगे एक्सेप्ट जब तक के कोई अथॉरिटी ना हो और उस अथॉरिटी ने कोई लॉ ना बनाया हो वापस से समझिएगा नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ तो भारत में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा पाओगे ना 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 भारत में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा पाओगे जब तक के क्या ना हो कोई अथॉरिटी ना हो और अथॉरिटी ने कोई लॉ पास ना कर दिया हो तो अगर आप देखेंगे बिफोर लिविंग एनी काइंड ऑफ टैक्स फर्स्ट देर शुड हैव बीन अ लॉ आपने अगर देखा भारत सरकार ने जीएसटी डायरेक्ट कलेक्ट करना चालू नहीं किया फर्स्ट 2017 दे हैड टू ब्रिंगिंग इन लॉ अ जीएसटी एक्ट तो वो क्या डायरेक्टली कलेक्ट करना चालू कर सकते थे वेल द आंसर इज नो सो मस्ट बी लॉ बिफोर लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स दूसरा देर मस्ट बी अथॉरिटी हु हैज पास दिस लॉ एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस लॉ को क्या कर रही है पास कर रही है अब आप चलते हैं और डीप में चलते हैं और अंदर चलते हैं हु इज द अथॉरिटी टू पास द लॉ आप कहेंगे सर राज्यसभा इज द अथॉरिटी राज्यसभा तो अकेले नहीं कर सकती क्योंकि हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ही राज्यसभा और राज्यसभा को मिला करके बनता है सो पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी टू पास द लॉ पार्लियामेंट मेक्स लॉ और पास द लॉ पास द लॉ पार्लियामेंट पास द लॉ ठीक है अच्छा <coughs> मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है तो अगर देश को जरूरत पड़ी कोई अर्जेंसी में लॉ लाने की तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना क्योंकि देखिए कोविड 19 में जब भारत बंद हुआ उस टाइम पे उस टाइम पे पार्लियामेंट तो सेशन में था ही नहीं क्योंकि पूरा भारत बंद था और कई लॉ उस टाइम पे क्या करने पड़े लाने पड़े तो जब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा इस टाइम क्या किया जाएगा सच अ ग्रेट पर्सन श्री बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इतना जबरदस्त प्रोविजन बना के रखा जब बात आई अथॉरिटी की कि भारत में अगर किसी भी तरीके के लॉ को पास करना है उन्होंने पहला पावर दिया भैया पार्लियामेंट विल पास द लॉ यही चीज उन्होंने लिख दी आर्टिकल 245 में हु विल पास द लॉ पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट क्या कर सकता है लॉ बना सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए काम खत्म इसीलिए देखिए जब जम्मू कश्मीर बना तो इसका डिस्कशन कहां हुआ पार्लियामेंट के अंदर में हुआ जिसका आर्टिकल किया गया यूनियन टेरिटरी बनाई गई उसको एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट अब मान लीजिए पार्लियामेंट सेशंस में नहीं है इफ़ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन व्हाट यू विल डू इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट विल प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट को ये पावर दे दिया यूजिंग आर्टिकल 123 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप भी क्या कर सकते हो सिंपली लॉ बना सकते हो तो वेन आई से हु इज द अथॉरिटी फर्स्ट प्रेसिडेंट सॉरी फर्स्ट पार्लियामेंट एंड इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन कैन लॉ बी मेड बाय प्रेसिडेंट बाय पासिंग एन ऑर्डिनेंस आंसर इज यस चलिए थोड़ी सी डीप डाइव और करते हैं आप मेरे से पूछेंगे सर वेदर इन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एनी ऑर्डिनेंस इज पास टू अमेंड दिस एक्ट वेल द आंसर इज ये इन 2019 एंड नाइनटीन इन ऑप्शनल टैक्स स्कीम ब्रॉट इन इनकम टैक्स बाई बल टैक्स स्कीम पढ़ते हैं हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी ए बी बी ए सी जो आप ऑफिस में कर रहे हैं यह टू थाउजेंड एंड नाइनटीन में ऑर्डिनेंस के तहत ही लाया गया था फिर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में इसको और अपडेट किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ऑल के लिए तो ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स में कभी नहीं हुआ रीसेंट टाइम्स में 2019 एंड 2020 में पास एन ऑर्डिनेंस कुछ और डीप डाइव सर ये ऑर्डिनेंस किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा क्या इसे लॉ माना जाता है आर्टिकल well, 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाए प्रेसिडेंट जो ये लॉ पास कर रहे हैं राइट right? इसको वैलिडिटी रहती है सिक्स मंथ्स की मतलब जैसे ही नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का बैठता है इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर में इसको वापस डिस्कस किया जाता है अप्रूव हुआ तो ये एक्ट बन जाता है डिसअप्रूव हुआ तो ये क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है ये पर्टिकुलर पार्ट part क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है सो so, मैं आता हूं वापस से आर्टिकल नंबर टू सिक्स आर्टिकल टू सिक्स एवरी वन रिपीट विदमी बोलो जल्दी से

अथॉरिटी के द्वारा पास होना चाहिए दूसरी बात levy and collected, यहां पे दो अलग-अलग दिए गए हैं। मतलब लगाना, इंपोज करना, और दूसरा है है? इस collection को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया ऑलरेडी चैलेंज भी किया गया है जब हम लिखते हैं कलेक्शन वर्ड इसका मतलब क्या होता है प्यार पुर्वक, प्रेम प्रेमपूर्वक डिमांड नोटिस सेंड करो डिमांड नोटिस सेंड करके कलेक्ट करो अब इनकम टैक्स पहुंच गया क्या करने के लिए रिकवर करने के लिए एसेट सेल करने लगा मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर कहां पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और बोला कि कलेक्शन तो पावर ही नहीं है तब उन्होंने कहा वर्ड कलेक्शन ऑल्सो इंक्लूड वर्ड रिकवरी इसीलिए आज जब किसी के घर पे रेड पड़ेगी सर्च एंड सीजर होगा क्या होगा सर्च एंड सीजर होगा रिकवरी इज ऑल्सो विद इन द पावर ऑफ इनकम टैक्स सो नो टैक्स कैन बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय हैज पास द लॉ वेन इट कम्स टू टैक्स वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ टैक्स डायरेक्ट टैक्स एंड इंडरे जब आप जीएसटी पढ़ते रहेंगे जीएसटी के अंदर में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव ही पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव ही पढ़ेंगे आई यू गेटिंग द पॉइंट चलिए रजिस्टर में जाइए जैसे कि मैंने कहा रजिस्टर में हमें सब कुछ नहीं लिखना जितनी काम की चीज है उतनी चीज हम जरूर लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स आर्टिकल नंबर 265. एक और बात मैं आप सभी को बता दूं बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने जो ये लिखा है प्लीज इसी को हमें पीडीएफ के अंदर में प्रोवाइड कर दीजिए मैं आपको है ना बहुत क्लियरली एक बात बताना चाहता हूं प्लीज लिखो इसके दो रीजन है डायरेक्ट टैक्स में ना आपको लिखना है और आपकी तीन साल से ना मालिक लिखने की आदत खत्म हो गई है

कैन बी लेविड और कलेक्टेड लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ सो अथॉरिटी और अंडरस्टैंड कीजिए आप सीए फाइनल में हैं। एक प्रैक्टिस और चालू कीजिए मल्टी कलर पेन रखिए इसका फायदा और मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं मालिक हर सब्जेक्ट में रखो इसका फायदा यह है रंग बिरंगी कलर से एटलीस्ट लाइफ में कुछ तो कलरफुल होगा तुम्हारे जो आज बेजान सी हो गई है तुम्हारी जिंदगी इसमें कुछ तो कलर आएंगे लाइफ में थोड़े से से मल्टी कलर रखो अच्छे से नोट्स बनाओ तुमको खुद को पढ़ने की इच्छा होगी नहीं तो जीवन के अंदर में करते क्या हो तुम जब से तुमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है ऑडिट के अंदर में सैंपलिंग कर करके इसको भी सैंपलिंग कर दोगे लाइफ में अथॉरिटी बोलो जल्दी से कौन हो सकता है प्रेसिडेंट और बोलो जल्दी से पार्लियामेंट या पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट भी लिखा एक ही बात है अगेन आपको बोल चुका एग्जाम पूछा जाना मुशक नहीं नामुमक है जब हम बात कर रहे हैं टैक्स की हम दोनों तरीके की बात कर रहे हैं डी टी एज वेल एज आई डी टी की डी टी एज वेल एज आईडी टी की जब हम लेवी कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम दो बात कर रहे हैं कलेक्शन एंड रिकवरी हम अगेन दो बात कर रहे हैं कलेक्शन एंड रिकवरी सो नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ डन अच्छा जी अब जरा ध्यान से सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा वंस यू हैव रिसिव दसेंट यस एक्ट इज क्रिएटेड नाउ देर हैजू बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ज टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक मन में यहां से सवाल उठना चाहिए कि टैक्सेस लगाने का पावर तो हमें पता चल गया बट हु विल एक्चुअली इंपोज इट इज इट द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इंपोज इट इज इट द स्टेट गवर्नमेंट हु इंपोज इट और इज इट कंबाइंडली बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हु इंपोज इट डोंट यू थिंक सो ये सवाल आएगा अब इसके लिए क्या है यार इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर आपके हिसाब से किसके पास है सेंटर के पास है स्टेट के पास है या दोनों के पास है कलेक्टेड बाय सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट्स याद आ रहा है कल हम के वाला नहीं हो सकता क्या अभी उधर से अगर मान लो दीदी चिल्लाई कोलकाता से अपनी दीदी चिल्लाई एट ऑलबे ना हम सेंटर सेंटर का थॉट हमें पसंद नहीं है हम हमारा टैक्स कलेक्ट करेगा ये डिस्प्यूट नहीं हो सकता था क्या पॉसिबल है ना अभी कर्नाटक में जो आए होंगे सीएम होगा ये होने के हंड्रेड परसेंट चांसेस थे और श्री बाबा साहेब आंबेडकर जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि भैया हम इतना बड़ा कंट्री है जहां पर हो सकता है कि सेंटर में पावर अलग हो और स्टेट में पावर अलग हो और इस पावर को बाद में मिस ना किया जाए इसलिए उन्होंने एक और आर्टिकल इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मजा आ जाएगा सुनना आर्टिकल इंसर्ट हुआ आर्टिकल नंबर 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन आर्टिकल नंबर 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन उन्होंने क्या किया उन्होंने क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर कर दिया आपको याद होगा आपने कभी पढ़ा है इंटर में यूनियन लिस्ट बनाई स्टेट लिस्ट बनाई और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई यूनियन लिस्ट के अंदर में वो सारे काम लिख दिए जो सिर्फ सेंटर कर पाएगा स्टेट लिस्ट के अंदर में वो सारे पावर लिख दिए जो सिर्फ स्टेट कर पाएगा एंड कॉन्करेंट के अंदर में ऑल दो पावर विच टू बी कंबाइंडली डील्ड विथ सेंटर एंड स्टेट आई यू गेटिंग द पॉइंट सो इनकम टैक्स का ये जो कलेक्शन पावर है इट इज क्लियरली मैंशन इन एंट्री नंबर एटी टू टू द यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर एटी टू सो इट इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पावर इज टू बी डन बाय यूनियन अथॉरिटीज विच इज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड In that list, in entry number 82, you will find taxes on income other than on agriculture. So, article number 246, read with schedule 7. Union government in its एंट्री नंबर 82 कवर्स द पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इट सीज एंट्री नंबर 82 पावर टू कलेक्ट Taxes on income other than on agriculture. It says power to collect the taxes on income other than on agriculture. डन सो एंट्री नंबर एटी टू को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है पावर टू कलेक्ट टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर पहले यह समझते हैं टैक्सेस ऑन इनकम की बात करी इन्होंने टैक्सेज ऑन इनकम बताइए सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं बोलो बोलो जल्दी बोलो सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं अनलिमिटेड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं पांच याद है जब आप एफ आर पढ़ते हैं तब आपको कभी भी इनकम के टाइप्स नहीं बताए जाते पर जब आप डीटी पढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है दैट सोर्सेस ऑफ इनकम आर बोलो जल्दी से अनलिमिटेड बट दीज इनकम कहां क्लासिफाई होना चाहिए इसके लिए आपको दिए हुए इनकम इन दिस पर्टिकुलर हेड एंड इफ एनी इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द फर्स्ट फोर हेड दैट इज सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन्स द रेसिड्यूल इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस ये बट टेल मी अदर देन ऑन एग्रीकल्चर दे हैव रिटर्न विच मीन क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स लगेगा ही नहीं या इंटरप्रिटेशन ये है कि एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर के पास नहीं है क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन एवरीबॉडी जितने लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से रिप्लाई करो क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स ही नहीं लगेगा इस दिज द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉर ऑर देर विल बी लेवी बट नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू हैव ए इंटरप्रिटेशन इस पर इंटरप्रिटेशन बताओ मेको दिस इज एंट्री नंबर एटी टू टू द यूनियन लिस्ट बराबर है आप मुझे बताइए इसपे इंटरप्रिटेशन क्या है आपका विल देयर बी नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर और देयर विल भी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर बट यूनियन डूज नॉट हैव पावर टू कलेक्ट द टैक्स सो प्रिया कह रहा है सर सेकेंड ऑप्शन वी हैव पावर टू कलेक्ट द टैक्स बट नॉट बाय सेंटर ओके वानी कह रही है सर टैक्स ही नहीं लगेगा सो so वानी इज इन विद द फर्स्ट ऑप्शन वानी कह रही है सर लगेगा ही नहीं फर्स्ट स्टेप मोटिवेशन कह रहा है कि सर टैक्स तो लगेगा पर यूनियन नहीं, नहीं लगाएगा मेरा भाई ऐसे कह रहा है सर टैक्स ही नहीं लगने वाला ओके okay. ड्रीम्स कोई है जो कह रहा है कि सर लगेगा बट सेंटर नहीं लगा सकता वेल हां बोलो भाई नहीं लगेगा ही नहीं लगेगा ही नहीं एंड द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज लगेगा पर यूनियन के पास पावर नहीं है टू यू आर वेरी सरप्राइज एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स यस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स सर पर एग्रीकल्चर पर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम है ना सर सेक्शन टेन के अंदर में एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट एग्जम इट इज इनडायरेक्टली टैक्सेबल सर कैसी बात कर रहे हो एग्रीकल्चर पे तो टैक्स ही नहीं लगता हमारे ऑफिस में तो बोलते फिरते एग्रीकल्चर लैंड ले लो टैक्स लगने ही नहीं वाला गलत बोलते हैं सर मतलब आप कह रहे हो वो जो इंटरप्रिटेशन है वही गलत है मतलब एग्रीकल्चर लैंड लेने से टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा मतलब एग्जैक्टली exactly क्या होगा अंडरस्टैंड देर इज कंसेप्ट कॉल्ड एज मेथड ऑफ एग्रीगेशन आपको आगे चल के एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा एग्रीकल्चर का और उसके अंदर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एग्रीकल मेथड ऑफ एग्रीगेशन अगर आप प्योरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं अगर आप प्योरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो हंड्रेड परसेंट एग्जाम मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी है तो टैक्स लगता है पर हाँ पूरा नहीं लगता मेथड ऑफ एग्रीगेशन के कारण एग्रीगेट जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है

So, क्या उनको आने वाली इनकम एग्जाम हो जाएगी वेल द आंसर इज नो ये मिसकंसेप्शन है उनपे मेथड ऑफ एग्रीगेशन जरूर लगेगा बिकॉज शी ऑल्सो हैज अदर इनकम इन हर पोर्टफोलियो येस नो। ये होगा सो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम पावर इज इन आर्टिकल नंबर 46 सिक्स टू द एंट्री नंबर 46 सिक्स नोट आर्टिकल एंट्री नंबर 46 सिक्स टू द स्टेट लिस्ट सो एंट्री नंबर 46 सिक्स आपसे कहती है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम सो राइट इंटरप्रिटेशन इज वेदर यू हैव पावर टू कलेक्ट द टैक्स वेन इट कम्स टू सेंटर आंसर इज नो वेन इट कम्स टू स्टेट आंसर इज येस वट इज द ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है येस कलेक्ट किया जा सकता है बट ओनली वैन द स्टेट अप्रूव इट हु कलेक्ट सेंटर ओनली इट इज ओनली द सेंटर हु कलेक्ट इट बट वेन इट इज अप्रूव बाय स्टेट सो so, सर क्या इंडियन हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर पे भी किसी स्टेट ने टैक्स लिया है गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ये वो स्टेट रहे हैं जिन्होंने कभी एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स लिया है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वोट बैंक अदर राजनीति के तहत आज उसके बाद कभी एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया पर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कभी हो नहीं सकता ये वोट बैंक एंड मार्जिनल इनकम के तहत एग्जाम किया गया है शायद किसी दिन ये क्या कर दे वापस ला दे दूसरी बात अगर आप प्योर एग्रीकल्चर में हैं, इफ यू आर अ प्योर एग्रीकल्चर इज देन एंड ओनली टेन वन इफ यू आर ऑल्सो अर्निंग एनी अदर इनकम बाई यूजिंग मेथड ऑफ एग्रीगेशन टैक्सेस कलेक्टेड

यस yes, तो हमें पता चला कि भैया ये जो पावर है ये यूनियन के हाथ में दिया गया है एंट्री नंबर एटी टू टू द यूनियन लिस्ट बराबर है फिर आर्टिकल टू सेवेंटी को यूज करके इसे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है फिर हमने पढ़ा कि भैया एग्रीकल्चर पर तो टैक्स कलेक्ट करने का पावर है ही नहीं तो वो वो कहाँ है तो हमें पता चला स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर फोर्टी में देखना पड़ेगा तब जाके हमारे को टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता बट हां एंट्री नंबर 82 या 46 सिक्स एम सी क्यू में आपको पूछा जा सकता है इसीलिए मैंने एम सी क्यू एंगल को ध्यान में रखते हुए आपको ये लिखा दिया अदरवाइज में लिखा था भी नहीं इसको ठीक है अच्छा जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> आगे बढ़ते हैं हमने देखा आपने बात करी इनकम की हमने देखा आपने बात करी टैक्सेस ऑन इनकम की तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं इनकम पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं इनकम पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं इनकम पे आपसे बहुत सारे सवाल होंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा वेदर इनकम इज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स यस और नो वट इज योर ओपिनियन क्या इनकम डिफाइंड है हां या ना जल्दी जल्दी बोलो हां या हाँ आंसर इज यस इनकम सेक्शन 224 के अंदर में डिफाइंड है ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 224 आपको क्या करता है इनकम का डेफिनेशन देता है आपके नोट्स के पेज नंबर छह पे आपको दिख जाएगा ये है आपके इनकम का डेफिनेशन पॉइंट नंबर वन इस डेफिनेशन को याद नहीं रखना है अपफरंट वेरी क्लियर अंडरस्टैंड कीजिएगा डायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट sub है एंड इट इज अटली इंपॉर्टेंट दैट आई अपफरंटली टेल यू वट इज रियली नीड टू बी लर्न एंड वट नॉट रियली नीड्स टू बी लर्न

डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी फोर इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी फोर ये इट इज डिफाइंड चलिए दूसरा सवाल आप सभी लोगों से दूसरा सवाल आप सभी लोगों से कर रहा हूं अज्यूम देर इज वन कंपनी

मैं आपको इसका प्रैक्टिकल और अच्छा एग्जाम्पल भी देता हूं मान लीजिए अगर कोई शिप बनाने वाली कंपनी है यॉट बनाने वाली कंपनी है या एयरलाइंस बनाने वाली कंपनी है ये डेरे मिल्क सेल नहीं कर रहे हैं दे विल हैव ओनली वन और टू और थ्री ऑर्डर इन द होल ईयर ये सो नो दूसरी बात मान लीजिए कोई रिटायर्ड पर्सन है रिटायर्ड पर्सन है राइट दे हैव लेट से प्रॉपर्टी देर इज नो अदर इनकम देर इज नो अदर इनकम दे कैन हैव ओनली वन कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इट इज नॉट अबाउट द रेगुलरिटी ऑफ इनकम इट इज अबाउट इज इट एन इनकम और नॉट एन इनकम सो इनकम में बी रेगुलर और इरेग्युलर इनकम कैन बी रेग्युलर सर वॉट ऑफ इज रेगुलर इनकम लेट से सैलरी मंथली रेंट इनकम आउट ऑफ बिजनेस दीज आर रेग्युलर इनकम और इरेग्युलर ये रेगुलर भी हो सकती है इरेग्यूलर भी हो सकती है कोई तकलीफ नहीं है येस ओके टेल मी इनकम का लीगल होना जरूरी है क्या टेल मी इनकम का लीगल होना जरूरी क्या सपोज मैंने स्मगलिंग किया पैसा आया क्या ये मेरी इनकम है किडनी बेचा पैसा आया क्या ये मेरी इनकम है मैंने बेचा इनकम आया क्या ये मेरी इनकम है देख माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल पाउडर बेच के इनकम आओ या पाउडर बेच के इनकम आओ इज इट कंसिडर्डर इनकम टैक्स नो सो इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगैलिटी और इन करेक्ट आंसर इज एप्सोलूटली करेक्ट देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द नेम ऑफ द जजमेंट इज टी ए कुरेशी जजमेंट मैंने आपसे पहले ही कहा जितना जरूरत होगा उतना केस तो आपके सामने लेके आऊंगा टी ए कुरेशी जजमेंट इस जजमेंट को हमें याद भी रखना है

होल वैल्यू ऑफ द गुड्स है इसको लॉस ऑन स्टॉक बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया गया डेबिट कर दिया गया अपॉन असेसमेंट अपॉन असैसमेंट एओ असिंग ऑफिसर एओ ने कहा कि यार ये कैसे अलाउ किया जा सकता है ये एक्सैक्टली exactly क्या लॉस है तब जाके इनको पता चला दैट द गुड बीन कॉन्सिफिकेटेड बाई कस्टम डिपार्टमेंट एओ ने कहा नहीं भाई भाई सुन सुन

तो आपको मेरी इनकम से प्रॉब्लम नहीं है पर आपको इससे प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से जनरेट की गई है आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड ये तो हो नहीं सकता ना सर अरे देखो देखो ऐसा नहीं होता है ये लीगल नहीं है तुम स्मगल करके लाए हो। हां सर मेरी इनकम भी लीगल नहीं है चलो इनकम टैक्स रिफंड करो फिर तो मेरी इनकम ही लीगल नहीं है ना आपने इनकम टैक्स में कहा लिखा है इट शुड बी लीगल और इलीगल ये बताओ आपने लॉ में कुछ लिखा ही नहीं और जब आपने कुछ लिखा ही नहीं हम आगे बढ़ गए तब जाके कोर्ट ने फेवर किया किसको टी ए कुरेशी को उन्हें कहा यह बात बराबर है इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और उनकी इनकम को भी टैक्स किया गया और उनके एक्सपेंडिचर को भी अलाउ किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था क्या हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था और इनकम टैक्स कैसे हार सकता है ना तब जाके सेक्शन 37 सेवन ऑफ द इनकम टैक्स पीजीबीपी में अमेंडमेंट किया गया दैट नो एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इफ इट इज फॉर एनी ब्रीच ऑफ लॉ कि अगर ये ब्रीच ऑफ लॉ के कारण क्या हो रहा है कोई भी यू नो एक्सपेंडिचर क्लेम किया जा रहा है किसी ब्रीच ऑफ लॉ करके तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा तो इनकम टैक्स ने इतना जबरदस्त खेम खेला एक तरफ तो इनकम से आने वाली को इनकम मान लिया और एक केस हारने पे इनने क्या कर दिया लॉ को ही अमेंड कर दिया अब इनिगल इनकम तो टैक्स हो गई लेकिन इस इलिगल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर क्या हो गए डिस अलाउ वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी नॉट रेट्रोस्पेक्टिव बट प्रोस्पेक्टिव दैट टाइम इसके बाद, इसके बाद, स में क्या हुआ केस में यह हुआ कि एक व्यक्ति थिएटर ऑपरेट कर रहा था थिएटर के बाहर लोकल गुंडाज जो रोते थे इनके कारण पब्लिक थिएटर तक के पहुंच नहीं पाती थी उसने क्या कर दिया अमाउंट पे करना चालू कर दिया रैनसम पे करना चालू कर दिया कि भैया तुम इसको अफेक्ट नहीं करोगे जितना अमाउंट देता उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में डेबिट कर देता प्रोटेक्शन मनी के नाम से एक दिन उन्होंने असेसमेंट कर लिया उन्होंने कहा ये किसको प्रोटेक्शन मनी दे रहे हो अब हमारे को तो भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उसने फिर पूरी स्टोरी बताई एओ ने एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ लॉ के तहत उन्होंने कहा ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है आपने इसका राइट कोर्स ऑफ एक्शन था यू वुड हैव रिक्वेस्टेड पुलिस पुलिस एंड इसके ऊपर एक्शन लेती तुम रादर क्या कर रहे हो प्रोटेक्शन मनी पे कर रहे हो इट इज नॉट इट इज नॉट इन लाइन टू द एक्टिविटी विच वॉज प्रपोज टू बी डन और इसी लिए हम क्या कर रहे हैं इसे डिसअलाउ कर रहे हैं इसी से रिलेटेड तीसरा केस जो बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी का है टाटा टी टाटा टी के कुछ चाय के बगान थे कहाँ पे साउथ के अंदर में मेयोस ने कहा कि भैया आप हमें पैसे दीजिए नहीं तो हम चाय के बगान जला देंगे टाटा को ट्रस्टेड कंपनी माना जाता है थोड़े सा एथिकल माना जाता है इन सारी चीज़ों में टाटा ने पैसे देने से मना कर दिया एंड इस बात की रिपोर्ट उन्होंने बाकायदा पुलिस के अंदर में लिखाई पर पुलिस वेर टू तो टेक दि अप्रोप्रिएट एक्शन और चाय के बगान जला दिए गए इस बात का रिवेंज लेने के लिए टाटा ने कहा कि मैं पूरे सिस्टम को सुधारूंगा टाटा ने कहा मैं अब तो पूरे सिस्टम को सुधार के रहूंगा टाटा ग्रुप ने क्या किया टाटा ग्रुप ने अगली बार प्रॉपर रैनसम मनी पे किया और बाकायदा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में लिखा प्रोटेक्शन मनी पेड फिर से वापस से मैटर एओ के पास गया कहा यार प्रोटेक्शन मनी टाटा प्रोटेक्शन मनी दे रहा है किसको दे रहा है तो पता चला म्योस्ट को दे रहा है मैटर कोर्ट में गया क्योंकि एओ ने एक्सपेंडिचर दिया मैटर कोर्ट में गया कोर्ट के तहत कोर्ट ने डिस्कस किया बोले एक मिनट ये कैसे हो सकता है आपने प्रोटेक्शन में नहीं दे दिया म्योस को आप मतलब देश के अंदर ही इस तरीके की एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं टाटा ने बाकायदा सबूत दिखाया टाटा ग्रुप ने बाकायदा सबूत दिखाया उन्होंने बोला सर देखिए हमने पुलिस को रिक्वेस्ट करी थी क्या करिए अलाउ कीजिए हमने रिक्वेस्ट भी करी थी इस चीज के लिए बट हमें जो प्रोटेक्शन नहीं मिला टू सेफ गार्ड द बिजनेस we have made the payment to safeguard the business we have made the payment and it's a business expenditure tab bhi us law ko sahara dete hue disallow kiya gaya aur kaha gaya if it is for a breach of law if it is for a breach of law or illegal payment it will not be allowed समझ में तो ही बात तो इनकम टैक्स ने इतनी समझदारी दिखाई कि एक तरफ इनलीगल इनकम को तो इनकम मान लिया लेकिन केस लॉस के तहत अपने लॉ को अमेंड करके क्या कर दिया इन्होंने उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिए तो आप ब्राइब पे कर रहे हैं ब्राइब पे कर रहे हैं प्रोटेक्शन मनी पे कर रहे हैं या इस तरीके का कोई भी पेमेंट कर रहे हैं जो ब्रीच ऑफ लॉ है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है आपका ट्रांसपोर्ट आपने जरूर क्लाइंट हैंडल किए होंगे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है चलान फटता है ये चलान की रिसिट को आपको एंट्री करनी ही पड़ती क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन चलाना आ गए क्या पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त इसे अलाउ किया जाएगा या डिसअलाउ किया जाएगा डिसअलाउ बिकॉज ऑफ इट विल बी ब्रीच ऑफ लॉ समझ में आ रही बात सो इनकम टैक्स इज लेविड ऑन लीगल एज वेल एज इलीगल इनकम टी ए कुरैशी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टी ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अच्छा जी कुछ छोटी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है हेड्स ऑफ इनकम हेड्स ऑफ इनकम बताइए कितने हैं मालिक पांच सोर्सेस ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है हेड्स कितने हैं पांच सबसे पहला हेड कौन सा है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन और कुछ नहीं बचा धरती पे तो IFOS. <coughs> then you tell me, do you remember the gross total income? डू यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हां सर देखे हैं टैक्स बेस में नीचे ही आता है पर हम टैक्स बेस में उससे भी नीचे चल जाते हैं टोटल इनकम पे चले जाते हैं पहले याद दिलाता हूं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं मैं जानता हूं बड़ा बचकाना क्वेश्चन है आपसे आप फाइनल में है पर इसका सवाल देते वक्त थोड़ा सा दम लगेगा क्योंकि आदत चली गई है हाँ कैसे निकालते हैं Perfect. Huh? <coughs> mm hmm. Net income from all the heads before deductions under Chapter Six A. So it is after clubbing, after set offs of losses. कुछ याद नहीं आता ना जीवन में कुछ भी याद नहीं आता ना आओ इसीलिए मैंने कहा था कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को मालूम है कि तुम्हें ये अजम्पन होगा कि भाई मैं आर्टिकल शिप करके आया हूँ आर्टिकल शिप में जो होता है ना वो रियल लाइफ से वो रियल लाइफ है और ये बुक है जिसको आपको सॉल्व करना है और ये डिफरेंस है आओ इधर हाँ जी इसलिए कई बच्चे मुझे कहते हैं कि यार हम मेरे को टैक्स करने की क्या मैं तो तीन साल टैक्स में काम किया हूँ तीन साल टैक्स में काम करना और इसको पेपर में लिखना दो अलग अलग चीजें हैं आ जाओ जल्दी से सबसे पहले क्या होगा सर आपको इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड आएगा इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स आप यहां पे सीधा सीधा नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम वर्ड को यूज कर सकते हैं टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स पांचों हेड की हर हेड की इनकम मींस आफ्टर डिडक्शन बराबर है इसमें क्या ऐड करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम इसमें क्या ऐड करेंगे ंग ऑफ इनकम क्या लेस करेंगे सेट ऑफ ऑफ लॉसेस तब जाके जो बैलेंस आएगा इसे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम और ये डेफिनेशन आपकी सेक्शन एट्टी बी में लिखी है ये डेफिनेशन आपकी सेक्शन एट्टी बी में लिखी है दैट ऑल द इनकम बिफोर द डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए ऑल इनकम बिफोर द डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए मालिक

लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए तो जो इनकम बचती है इसको हम क्या कहते हैं टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम जी सो ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम यू नीड टू पे टैक्स ऑन टोटल इनकम यू नीड टू पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड द होल इनकम टैक्स इज अबाउट कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ओनली आइए आपके नोट्स में फटाफट क्विकली देख लेते हैं सेक्शन एटी बी पेज नंबर फाइव ऑफ योर नोट्स यस ग्रॉस टोटल इनकम इज अंडर सेक्शन फोर्टीन इनकम इज कंप्यूटेड अंडर द फॉलोइंग फाइव हेड्स यस एडजस्टिंग फॉर क्लबिंग एंड सेट ऑफ तो फाइव एंड की इनकम आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एंड सेट ऑफ टू फोर्टी फाइव आपसे बात करता है टोटल इनकम की टोटल इनकम मींस टोटल इनकम रिफर्ड टू इन सेक्शन फाइव फाइव के तहत कंप्यूटेशन स्टेटस नाम का चैप्टर रहेगा इंटरनेशनल टैक्स में उसमें हम करेंगे जिसको हम कहते हैं टोटल इनकम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम नाउ इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224. अभी हमारा इनकम का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ इनकम पे ही हम क्या करते जा रहे हैं डिस्कस करते जा रहे हैं चलिए मुझे बताइए मैंने किडनी बेची पैसे कमाए क्या ये मेरी इनकम है हाँ या ना आपने कई बार सी ए ग्रुप्स के ऊपर बहुत सारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर ये सवाल जरूर सुना होगा मैंने कहा क्यों ना इस बात का डिस्कशन क्लास में ही कर लिया जाए बताइए किडनी बेची पैसे कमाई क्या ये मेरी इनकम है हाँ या ना हाँ हाँ अब आपके मन में सवाल पता है क्यों आया आपने जो जवाब दिया हाँ ये क्यों आया आपने जो जवाब दिया वो इस बात को सोच के देखा कि जब इल्लीगल इनकम भी टैक्स हो रही है तो इसको तो कर ही डालो वेल इसका आंसर सही नहीं है पूछिए क्यों आप किसी भी इनकम को इनकम कैसे बनाते हैं इसको समझ लें तो जीवन भर आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी क्योंकि देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं ये सिर्फ जो इतनी इनकम की डेफिनेशन लिखी है इनकम इतनी ही नहीं होती इतनी ही नहीं होती बिकॉज सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड तो रादर ये समझ लो कि इनकम आप किसको कह सकते हो इनकम बनाते कैसे हैं क्योंकि बहुत सारे बिजनेस होते हैं इनमें इनकम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है दैट पर्टिकुलर रिसीट इज एन इनकम और नॉट लेट मी टेल यू एन एग्जांपल क्या आप इनकम को बस इस बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे दैट क्लाइंट के बैंक अकाउंट के अंदर में एक क्रेडिट है तो ये इनकम हो गई

अगर आपके डिविडेंड्स आते हैं या आपके इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है तो हम उसको क्या मानते हैं इनकम मानते हैं तो ये आपके जनरली कहां टैक्सेबल हो जाते हैं आपके आने वाली डिविडेंट इनकम या फिर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है तो वो भी हम क्या करते हैं इसमें कवर कर लेते हैं बताइए बताइए आपके पापा के अकाउंट से फाइव थाउजेंड रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आए जिसको तुम डेफिनेटली वापस तो करने नहीं वाले बताइए क्या इसे गिफ्ट माना जा सकता है इस गिफ्ट एंड इनकम डिपेंड्स किससे मिला है कहां पढ़ना पड़ेगा आई एफ ओ एस बट प्राइमरी क्वेश्चन इज इज गिफ्ट एंड इनकम विल द आंसर इज येस इज इट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल दैट्स सेकेंड क्वेश्चन सो इज गिफ्ट एंड इनकम द आंसर इज येस मनी विच कैन बी रिसीव्ड एज गिफ्ट और द प्रोडक्ट अदर देन मनी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट अदर देर्ड एज वी रियली नीड टू क्लासीफाई क्या गिफ्ट में आएगा क्या गिफ्ट में नहीं आएगा इसका में हम लोग जरूर पड़ेंगे बट हां प्राइमरीली गिफ्ट इज एन इनकम सो डिविडेंट इज एन इनकम इंटरेस्ट इज एन इनकम गिफ्ट इज ऑल्सो एन इनकम राइट सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट कंपनसेशन ऑन लैंड मेरा एक लैंड था जिसको गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर कर लिया बराबर है इसका कंपनसेशन आया पांच लाख रुपए इज इट एन इनकम यस आंसर इज यस याद होगा तो इंटर में हमने कैपिटल गेन में पढ़ा है इनकम के डेफिनेशन में ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे ये देखिए ये देखिएगा गिफ्ट जो है सेक्शन 56 में इसे इनकम माना गया है प्राइमरी तौर पे इसके बाद में आपको जो कंपलसरी एक्विजिशन मिलता है आपको जो कंपलसरी एक्विजिशन मिलता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे भी एक गिफ्ट कवर किया गया है जो कंपलसरी एक्विजिशन मिलता है इसे भी क्या माना जाता है इनकम ही माना जाता है अच्छा जी सर सर मुझे एक और बात बताइए मुझे एक और बात बताइए मुझे रमी सर्कल एक लाख रुपए का प्राइस जीता ड्रीम इलेवन एक लाख रुपए का प्राइज जीता कौन बनेगा करोड़पति बिग बॉस ऐसे किसी भी गेम्स में मुझे एक लाख रुपए का प्राइज मिला इनकम इज इट एन इनकम आपने उसको क्यों इनकम नहीं माना सर क्योंकि वो लोन है मतलब आपने कोई तो क्राइटेरिया लगाया इसके पीछे जस्ट बिकॉज इट इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट डज नॉट मीन एन इनकम दिट नीड्स टू बी क्लासिफाइड येस इट्स अ रिसीट बट एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम अंडरस्टैंड कीजिएगा दैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट की रिसीट इन द नेचर ऑफ लोन किसी भी प्रकार का लोन ये आपकी कैपिटल रिसीट्स के अंदर में आता है इनकम मीन्स अ रिसीट बट एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम चलो दिमाग में सेट हो जल्दी से इनकम मीन्स अ रिसीट बट एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम सो पहला क्या आता है मालिक लोन पहला क्या आता है मालिक लोन अगर आप कोई भी अमाउंट को लोन देखते हैं तो ये कभी भी आपकी क्या नहीं मानी जाती इनकम नहीं मानी जाती इसीलिए बैंक अकाउंट में तो आपको क्रेडिट है पर क्लाइंट जब भी ये कह देता है सर दिस अमाउंट नीड्स टू तो बी पेड बैक आप उसको फिर सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन के अंदर में क्लासीफाई करते हैं अकाउंटिंग करते वक्त याद करिए दूसरा कैपिटल नॉट डोंट थिंक फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू डोन्ट थिंक फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया कैपिटल भी क्रेडिट तो होगा बैंक अकाउंट के अंदर लेकिन इसे क्या माना जाएगा कैपिटल रिसिट और इसके ऊपर क्या नहीं किया जा सकता टैक्स नहीं लगाया जा सकता तीसरा एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी नो डाउट अकाउंट बनाते वक्त लाइबिलिटी के ही दोनों ऊपर के पार्ट है बट हम इसे अदर लाइबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं कोई भी अदर लाइबिलिटी है आपकी ये मतलब मान लीजिए जिसको आपको क्या करना है वापस देना है पहले बोला था गिफ्ट बोल के वापस दे बाप बेटे में झगड़ा हो गया बाप ने बोला मेरे दिए हुए पैसे वापस कर अर्लियर इट अ गिफ्ट और लेटर ऑन उसी साल में उसको वापस कर दिया सिंस इट इज अ लाइबिलिटी इसको आप क्या नहीं मान सकते इनकम नहीं मान सकते चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल इफेक्ट्स अगर ये पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में आ रहा है अगर ये किसके अंदर में आ रहा है पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में आ रहा है तो आप इस पर टैक्स कभी नहीं भरेंगे पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब समझिएगा जरा पर्सनल मतलब हैं और आप इसे सेल करते हैं तो इस पर आने वाली इनकम पे आप कभी टैक्स नहीं देते मी गिव एन एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक फ्रिज था मैंने सेल कर दिया पैसे आए इज इट लाइबल टू आंसर इज नो वाई बिकॉज इट्स इफेक्ट याद करिएगा जब आपने इस एसेट को परचेस किया था आपने इसे बिजनेस की बैलेंस शीट में इंक्लूड किया था क्या द आंसर इज नो इस पर डिप्रिसिएशन गेम किया था क्या द आंसर इज नो ये पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में आ गया और पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर क्या नहीं आता टैक्स नहीं आता आप अपने घर का रद्दी बेचते हो आपने अपने घर का मटेरियल बेचा लेट्स से आपने अपने घर का मटेरियल बेचा ये सब आ गए पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में तो जो चीज़ें आप पर्सनल यूज के लिए यूज़ करते हैं पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं इसके ऊपर क्या नहीं आता

समझ में आ रही बात अब इस लाइन को पढ़ते हुए मुझे जवाब दीजिए किडनी बेची इज इट सब्जेक्ट टू टैक्स आंसर इज नो पर्सनल इफेक्ट क्या आ गया पर्सनल इफेक्ट बट क्या आप जानते हैं कैपिटल गेन पढ़ते वक्त पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन है याद दिलाता हूं मान लीजिए मैंने गोल्ड बेचा मैंने गोल्ड बेचा इज इट सब्जेक्ट टू टैक्स कैपिटल गेन टैक्स गोल्ड बेचा पैसा उन्हें क्या किया मेरे जीपे पे ट्रांसफर कर दिया इज इट सब्जेक्ट टू टैक्स यस yes, पर गोल्ड तो मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है यस yes, कैसे हुआ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टीन पर्सनल इफेक्ट को एक्सक्लूड करता है कैपिटल एसेट से और पर्सनल इफेक्ट की भी कुछ एक्सेप्शन है कुछ चीजें भले ही आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं पर क्या नहीं मानी जाएगी क्या नहीं मानी जाएगी पर्सनल एसेट्स नहीं मानी जाएगी एंड दे विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड्स ये लिखा है आपने लिख दीजिए साथ साथ में कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट पर्सनल इफ़ेक्ट्स एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट्स एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट्स याद रखने का इसको सिंपल तरीका है जड़पास वीडिय Then, पहला जे ज्वेलरी एंड बुलियन ज्वेलरी एंड बुलियन भले ही आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं पर जब भी आप इसे सेल करेंगे इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स कैपिटल गेन टैक्स ज्वेलरी तो सर समझ में आ गया व्हाट इज बुलियन प्रीशियस स्टोन्स, फॉर एग्जांपल रूबी फॉर एग्जांपल डायमंड सोनो पुखराज पन्ना ये सब बुलियंस के अंदर में आ जाता है ए आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ए आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में मैं आपको बताता हूं ये वो होते हैं जो एंटीक्स होते हैं ये वो होते हैं जो एंटीक्स होते हैं इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए आपको बड़ा मजा आएगा लोग अपना ब्लैक मनी कहाँ छुपाते होंगे जरा सोच के देखिएगा मान लीजिए आपके पास ब्लैक मनी है वॉट इज ब्लैक मनी किसी वाइट तरीके को एक्सपेंडिचर क्लेम करके बाद में सामने वाले से कैश ले लिया आपने इसको आप क्या कह रहे हैं ब्लैक मनी क्लियर है या तो ये वो सेल्स है जो कभी आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी बरबर है ये हो गया ब्लैक मनी अब ब्लैक मनी का एंड बताइए क्या है चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं फिर वापस यहां आऊंगा आप मुझे बताइए ब्लैक मनी और क्योंकि मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि क्यों इसको एक्सेप्शन में रखा गया इस सारी चीजों को एक्सेप्शन में क्यों रखा गया इसका लॉजिक समझ लो बहुत मजा आ जाएगा सपोज आपके पास ब्लैक मनी है इस ब्लैक मनी का एंड यूज बताओ मेरे को तुम तो आर्टिकल चिप कर चुके हो ब्लैक मनी का एंड यूज बताओ मेरे को सबसे पहले ब्लैक मनी किधर जाता सबसे पहला ब्लैक मनी जाता प्रॉपर्टी में सर प्रॉपर्टी में कैसे जाता मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज हायर गवर्नमेंट वैल्यू इज ऑलवेज लोअर डिफरेंस इज पेड इन कैश इन ऑर्डर टू सेव स्टैंप ड्यूटी बी गोल्ड दूसरा अभी आप रिसेंटली देखिए सरकार ने टू थाउजेंड रुपीज के नोट्स बंद किएस लास्ट टाइम टू थाउजेंड रुपीज के नोट्स बंद किए विच मीन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिए लोगों ने बोला भाई कब चल के पांच के नोट के साथ भी हो जाए और दूसरी बात इतने सारे पांच के नोट रखेंगे किधर लोगों ने क्या किया गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया यस yes, लोगों ने क्या किया गोल्ड में क्या आप जानते हैं व्हाइट में गोल्ड का वैल्यू था थाउजेंड ब्लैक में गोल्ड का वैल्यू था थाउजेंड बॉस इतना बड़ा डिफरेंस था क्योंकि भर भर के लोगों ने लिया और गोल्ड का ब्लैक का मार्केट चमक गया पूरा का पूरा तीसरा का डालोगे बताओ अब तीसरा चाला जाता है एंटिक्स में ये पैसा डाला जाता है एंटिक्स में एंटिक्स में क्या होता है कोई पुराना आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन खरीद लिया जाता है कोई पुराना आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन खरीद दिया जाता है कभी देखा हम दिवाली पे क्या करते हैं ज़रा समझिए है? हम दिवाली पे सिक्कों की पूजा करते हैं चांदी के सिक्कों की, सिक्को की पूजा करते हैं ऐसा क्यों करते हैं उसको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बोल दिया जाता है हमारे घर में बोला जाता है ये पुरखों से कलेक्ट किया हुआ है इसको बाकायदा थोड़ा सा क्या किया जाता है रंग रूप दिया जाता है उसे हम लक्ष्मी मान के तो पूज ही रहे हैं, पर उसका पीछे इनकम टैक्स का भी एक लॉजिक है ये yes नो no? इसे पुराने सिक्के को रखा जाता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बना करके इसकी हाई वैल्यू है और कई केसेस में इट हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड कि ये जो चांदी के चीज़ें हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं महाराजा हेमंत प्रताप सिंह जी का केस है ये जो चांदी की चीज़ें आप यूज कर रहे हैं इसे क्या किया गया है एक्सक्लूड किया गया है कैपिटल एसेट से इसीलिए आप अपने घर में चांदी के बर्तन रखते हो इसी के लिए आपके घर में चांदी के सिक्के की पूजा हो रही है इसी के लिए आपके घर के जो भगवान के आइडल्स है इसको भी क्या रखा गया है चांदी में क्योंकि आपके घर के बड़े लोग ये हमेशा जानते थे कि चांदी जो है जब रेड पड़ेगी या बाकी चीज़ होगी इसको क्या किया जाएगा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा समझ में तो लोग क्या करते हैं आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन में डालते हैं कभी मन करे तो ओ खोलिएगा एक्स के अंदर में ना ओल्ड कॉइन डालिएगा किंग जॉर्ज का कॉइन एक लाख रुपए में बिक रहा है किंग जॉर्ज का लाख रुपए में बिक रहा है एक रुपए की जो नोट की गड्डी है आज उसका मार्केट वैल्यू नाइन हंड्रेड है नाइन हंड्रेड रुपीज एक रुपए की नोट की गड्डी क्योंकि लोग क्या करते हैं लोग इस तरीके से एक्सचेंज करके रख देते हैं लोग क्या करेंगे मान लीजिए उनके घर के अंदर में कोई व्यक्ति है जिसके पास ये नोट्स है वो क्या करेगा वो तुरंत इन नोट्स को ले लेगा और इसको बना देगा एंटीक वो जो एक एक नोट एक की गड्डी है दो की गड्डी है पांच की गड्डी है दस की गड्डी है वो इसको कलेक्ट करके रख लेगा क्योंकि ये एंटिक्स में आ जाएंगे जब वैल्यू की जाएगी इन नोटों की सौ रुपये ही होगी बट इनकी मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी इनकी मार्केट वैल्यू जो होगी ये क्या होगी हमेशा ज्यादा जैसे आपके पास अगर पांच रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है अब डाल के देखिए पे इसकी वैल्यू क्या है सर फोर थाउजेंड टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है फोर थाउजेंड टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है मतलब क्या स्टॉक मार्केट रिटर्न देगा या एंटिक्स रिटर्न दे रहे हैं दूसरी बात पेंटिंग्स पेंटिंग्स एंड ड्रॉइंग्स बहुत कम लोग हैं जिनको आर्ट की रियल समझ होती है ये सो नो तो आप एक पेंटिंग कितने में खरीद रहे हैं इसका एक्चुअल वैल्यू निकलता ही नहीं कितने में आपने उस पेंटिंग को लिया इसका रियल वैल्यू निकलता ही नहीं बहुत कम रेयर अनलेस अंटिल आप उसे लीगल ऑप्शन में खरीद रहे हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर्स स्कल्पचर्स स्टैचू इस तरीके का इनके ऊपर बहुत पैसा होता है पर्शियन कारपेट्स शियन कारपेट्स लेकर के आइए आप स्कल्पचर्स लेकर के आइए घर के अंदर में 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 भयानक कैश इंपोज होता है घर के अंदर में ये एक कोने में पड़े रहते हैं पर इनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ब्लैक का पैसा कहीं तो इन्वेस्ट होगा आदमी प्रॉपर्टी कितनी ले लेगा क्योंकि बात समझिए प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे व्हाइट भी लगता है तुम सिर्फ ब्लैक से नहीं ले सकते ये प्रॉब्लम है अनलेस एनडिल तुम उसको पूरा ही बेनामी कर दो किसी और के नाम पे कर दो दूसरा गोल्ड गोल्ड लोगे तो कितना लोगे रखना तो उसको घर पे ही पड़ेगा ना इसको तो आप दिखा सकते हो महंगी पेंटिंग को सस्ती बोल सकते हो कारपेट्स तो नीचे रहते कितों का ध्यान जाएगा <coughs> सरकार को ये बातें पता चल गए सरकार ने बोला बेटा इन चीजों को पर्सनल इफेक्ट से क्या करो एक्सक्लूड क्योंकि लोगों का ब्लैक मनी ही यही है क्योंकि लोग आते थे रेड के टाइम पे बोलते थे ये तो मेरा पर्सनल इफेक्ट है और पर्सनल इफेक्ट पे तो आप टैक्स ही नहीं लगा सकते ये लोग सरकार को क्या बना रहे थे बेवकूफ बना रहे थे सरकार ने समझ ली इनकी चाल और सरकार ने बोला बेटा अब हम ये क्या नहीं रखेंगे पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं रखेंगे बताओ क्या क्या चीजें ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन डी से ड्राइंग पी से बोलो पेंटिंग ए से एनी वर्क ऑफ आर्ट स्कल्पचर्स, गांधी जी का चश्मा पहनावा सर थर्टी थ्री करोड़ में सेल होता है कुछ तो समझिए, डन सो ये ये एंटीक है या नहीं है कैसे पता चलेगा स्पेसिफिकली आप कोई भी प्रोडक्ट जो है आपके शहर के अंदर में एंटिक्स के शॉप होते हैं आप उधर लेकर के जाइए वो उसका वैल्यू निकाल करके देगा दूसरा ये जो प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास आप लेके जा सकते हो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास लेकर के जाओ शहर में बहुत सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर है और उससे उनकी वैल्यू निकलवा सकते हो वो इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल करके दे देंगे रजिस्टर्ड वैल्यू निकाल करके दे देंगे यू विल कम टू नो ये क्या है एंटिक्स है ये yes सोनो no. तो आप खुद से नहीं इसको अगर सर्टिफाई करवाना है कि हाँ ये एंटिक्स है आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास लेके चल जाओ उसको काम खत्म मान लीजिए आप पुणे में है मान लीजिए भाई तू पुणे में है और तेरे को पता चलता है कि तेरे घर पे एक की गड्डी का है मान ले कि एक की गड्डी है इस एक की गड्डी को उठा कैंप में लेके जा कैंप में कहाँ लेके जाएगा तेरे को याद है कैंप के अंदर में महाराष्ट्र करके एक स्टोर है राइट क्वींस करके एक स्टोर है और क्वीन्स के स्टोर के बिल्कुल बाजू में देखना है एक एंटिक्स का शॉप है एक वहाँ पे हुक्का वाली दुकान है एक डिनोवा करके दुकान है हुक्का वाली दुकान है खैर मैं तो जानता नहीं हूँ मेरे को बस एंटिक का शॉप पता है उस दुकान के बिल्कुल बाजू देखना एक एंटिक का शॉप है अगली बार जाएगा जब उस एंटिक के शॉप में लेके जा तेरे को पता चल जाएगा ये सोनो <coughs> हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा घड़ा भी हो जो एंटिक हो और जिसको नॉर्मल बोल करके रखा गया हो देखिएगा आपके घर की चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा आपको पता चलेगा कि कहीं ब्लैक मनी वहाँ तो इन्वेस्टेड नहीं है यस yes, हो सकता है आपके घर के अंदर में इसे कहीं पे भी रख दिया जाए इसे बालकनी में रख दिया जाए इसे कहीं और रख दिया जाए उस पर दिमाग मत लगाइए ये, ये देखिएगा कि उसको रखा क्यों है यस yes. <coughs> अब ये जड़पास तो क्लियर हो गया एंड आई एम श्योर आपको पता चल गया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये ब्लैक मनी के लिए यूज होते थे कहां के लिए यूज होते थे ब्लैक मनी के लिए यूज होते थे सरकार ने बोला भैया हमको ये गेम तुम्हारा समझ में आ चुका है हम अब इसको क्या नहीं मानेंगे पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे तुम भले इसको पर्सनल यूज के लिए यूज करो तो कल चल के तुमने चेन बेची गड़ी बेचा पंखा बेचा इस सब इसके अंदर में आ जाएगा अगर ये गोल्ड का बना है तो समझ में आ रही बात अच्छा जी सर यस दूसरी बात यहां पे एक और चीज ऐड हुई है VDA वी डी ए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसा कि मैंने कहा एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें बदल रही है यस क्रिप्टोज एंड एन आप जब इंटर में थे ये नहीं था इंटर में आपके डेफिनेशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या था जड़पास ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्राॅइंग पेंटिंग और ये सारी चीजें ये सारी चीजें एक्सेप्शन टू कैपिटल एसेट्स भी है ये सारी चीजें एक्सेप्शन टू कैपिटल एसेट्स भी है यस, yes? हाँ जी एक्सेप्शन टू पर्सनल एसेट एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट्स एंड दे आर कवर्ड इन दे आर कवर्ड इन कैपिटल एसेट्स इन्हें कैपिटल एसेट्स माना गया है हम्म, वीडीए रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी इस बारे में हमें अभी पूरा डिस्कशन नहीं करना है हो सकता है आप अभी डिस्कशन करना चाहें सर क्रिप्टो क्या है ये क्या है कुछ भी मत कीजिए आगे एक पूरा चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल करेंसी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वहां पे एज ऑफ नाउ आपको ये समझने हैं कि लोग क्या करते थे रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में एंटर किए जिसमें मुख्य तौर पर बिटकॉइन आ गया इथेनम आ गया रिपल्स आ गया यस yes, रिसेंट टाइम्स में पाइकॉइन भी आ गया तो ये बहुत सारे लोग वर्चुअल करेंसी में एंटर किए एट द सेम टाइम मेनी ऑफ द पीपल हैज एंटर्ड इन द एरा ऑफ एन ये एन क्या होता है नॉन फंजिबल

सरकार को अब ये भी समझ में आ गया सरकार ने क्या कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो ब्लैक का मनी था ये भी कहीं में इन्वेस्ट हुआ बिटकॉइंस एंड ऑल क्योंकि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट करके रखे इन्होंने ब्लैक में भी इन्वेस्ट करके रखे अब इन लोगों को पकड़ने के लिए भी सरकार ने क्या कह दिया इफ यू आर होल्डिंग अ क्रिप्टो करेंसी और इफ़ यू आर होल्डिंग एन एफ टीज ये भी हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे जब भी आप इसे सेल करोगे दे विल भी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स यस चलो आओ वापस से हम कहाँ हैं पूरे को रिकॉल करवा देते हैं हम कहा हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी क्रेडिट इनकम है या नहीं है हम गए कॉन्सेप्ट की होती है लोन लाइबिलिटी दो अलग अलग लिखा हालांकि ये दोनों भी लाइबिलिटी के पार्ट है लोन कैपिटल लाइबिलिटी और पर्सनल इफेक्ट्स इन पे कभी भी टैक्सेस आते नहीं हालांकि पर्सनल इफेक्ट्स के कुछ एक्सेप्शन है जल्दी से बताओ पर्सनल इफेक्ट के क्या एक्सेप्शन है जड़पास वीडीए जे, ज्वेलरी एंड बुलियन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट ये सभी इनमें ब्लैक मनी ज्यादा इन्वेस्ट होता था इसलिए सरकार ने बोल दिया ये पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, जब भी इसे बेचोगे कैपिटल गेन टैक्स आएगा इंक्लूडिंग साल, पिछले साल एक और अमेंडमेंट किया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी आपके इसमें से हटा दिया याद रखेंटल रिसीड्स आर नॉट Liable to tax. Capital receipts are not liable to tax. Revenue receipt <coughs> All receipts. दर देन कैपिटल रिसीट्स तो वो सारी रिसीट्स जो कैपिटल रिसीट्स में आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे उसको आप बाय डिफॉल्ट में रेवेन्यू रिसीट्स में ला देते हैं रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस

Unless deduction and exemption is claimed. Unless deduction and exemption is claimed. डन आइए चेक करिए बाकी सारी रिसीट रेवेन्यू रिसीट के अंदर में आ गई भाई साहब और रेवेन्यू रिसीट अगर है तो आपकी ये इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी अनलेस डिडक्शन डिडक्शन इज क्लेम क्लेम जब तक आप कोई या नहीं कर अन्य आपकी इनकम ये हमेशा टैक्स की जाएगी तो अब मुझे सवाल उठता है कुछ बातों का अब मुझे बताइए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया था बताइए इन आई हुई इनकम ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है जब भी इनकम आए आपको चार क्राइटेरिया सोचना है बैंक अकाउंट में क्रेडिट आया मतलब चार क्राइटेरिया सोचो इज इट अ लोन इफ द आंसर इज नो इज इट अ कैपिटल इफ द आंसर इज नो इज इट अ अटी टू बी रीपेड आंसर इज नो इज इट अ पर्सनल इफेक्ट आंसर इज नो इफ द ऑल फॉर आंसर इज नो दिस इनकम विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स नेचर लीगैलिटी और इन लिगैलिटी मैटर इसी को बेस बना करके टीए कुरिशी का जजमेंट सामने लाया था यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट चलिए सर रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अब मुझे एक बात बताइए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सपोज आपको पता है वेन यू स्टार्ट सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस यू गेट सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट यस तो सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवेन यू ऑफ सब्सिडी ऑफ लेट से फोर्टी परसेंट एंड दिस कम्स टू रफली अराउंड फोर करोड़ फॉर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस इज दिस योर इनकम

बोलो जल्दी से क्या लगता है सब्सिडी इज इट एन इनकम एक जवाब हाँ बोल भाई नो क्यों सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़िया सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल नाउ अगेन योर आंसर विल बी बाइज से यस और आस्क मी हाउ सब्सिडी दो प्रकार की होती है एक होती है अगेंस्ट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस यस विच एट टाइम्स मे बी रीपेबल इफ इट इज अ रीपेबल सब्सिडी देन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अदरवाइज इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स इवन इफ इट इज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सिडी जो मिलती है ध्यान से सुनिए हम पीजीपीपी के सेक्शन 28 में इसे फिर से समझेंगे जो आपको सब्सिडी मिलती है ये आपको अगेंस्ट द बिजनेस मिलती है ये आपको अगेंस्ट द बिजनेस में मिलती है और जो सब्सिडी मिलती है ये अगेंस्ट द एसेट्स भी मिलती है दो तो तरीके से चीजें होती है अगेंस्ट द बिजनेस मतलब बिजनेस करने के लिए सब्सिडी मिलना फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीजनल मूवीज बनाते हैं जैसे कर्नाटका में कांतारा मूवी बनती है रीजनल मूवी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एज सब्सिडी ये बिजनेस करने के लिए सब्सिडी होती है दूसरा है एसेट से रिलेटेड सब्सिडी आप जानते हैं अगर आप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग चिप्स के लिए मशीन इंडिया में इंपोर्ट करते हैं 50 परसेंट ऑफ द वैल्यू इज अवेलेबल एज सब्सिडी इट इज अगेंस्ट द एसेट तो एक बिजनेस करने के लिए सब्सिडी मिली कि आप इस तरीके की रीजनल मूवी बनाइए मूवी को प्रमोट कीजिए दूसरा सब्सिडी मिला एसेट इस तरीके का आपने लेके आया तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाए इसलिए आपको मिली आपको मैं बता दूं अगेंस्ट द बिजनेस मिल रही है इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल ओनली फॉर योर बिजनेस ये टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 28 ऑफ पीजीबीपी ये टैक्सेबल है इनकम माना जा रहा है रेवेन्यू रिसीट मानी जा रही है यही अगर एसेट के अगेंस्ट में कोई सब्सिडी मिलती है तो याद होगा तो आपका ए एस टेन रिलेवेंट इंडिया आपको पता होगा ए एस टेन आपको रिड्यूस करने बोलता है फ्रॉम कॉस्ट याद आ रहा है क्या कॉस्ट में से आप क्या करो रिड्यूस करो कॉस्ट को वैल्यू को कम किया जाता है एंड रिड्यूस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है रिड्यूस कॉस्ट पे क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एंड सेम थिंग सेक्शन फोर्टी थ्री वन ऑफ द इनकम टैक्स भी कहता है सेक्शन फोर्टी थ्री वन विच टॉक्स अबाउट एक्चुअल कॉस्ट इफ़ अ सब्सिडी इज रिसीव्ड अगेंस्ट द एसेट रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट समझ में आ रही बात सो सब्सिडी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम ये रेवेन्यू रिसीट में क्या की जाती है क्लासिफाई क्योंकि ना तो ये लोन है ना तो ये लाइबिलिटी है ना तो ये कैपिटल है इज गिवन बाय गवर्नमेंट ना ये पर्सनल इफेक्ट है देखिए इनकम की डेफिनेशन में एक्सपोर्ट इंसेंटिव ड्यूटी ड्रॉबैक कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट इज नथिंग बट सब्सिडी कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट सेल ऑफ लाइसेंस और गवर्नमेंट असिस्टेंस ये सब क्या माना जाता है इनकम

ना तो आपके आई में इसका कोई क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म है आप देखिएगा आपको आई में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं पूछता इज इट अ रेवेन्यू इज इट अ कैपिटल रिसिट नहीं ये जब असेसमेंट्स हो जाए तभी जाकर के पता चल सकता है इज इट कवर्ड और अनकवर्ड समझ में आ रही बात अदरवाइज ये पता करना बहुत मुश्किल है कि आपको ऐसी रिसीट भी हुई है अनलेस एंड एंटिल असेसमेंट इज डन तब तक कि वो देख ही नहीं पाएगा जब तक कि वो आपके बैंक अकाउंट असेस ना कर ले विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड रोट पजल्स इसे भी क्या माना गया है इनकम माना गया है ये सुनो प्लस किसी भी तरीके से आने वाली बिजनेस इनकम सैलरी में मिलने वाले वेरियस परक्विजिट्स ये सब आपके क्या माने गए हैं इनकम माने गए हैं बची हुई इनकम की डेफिनेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तब हम जरूर पढ़ेंगे येस yes, तब हम उसको जरूर पढ़ेंगे आइए एक बार इनकम के कंसेप्ट को वापस पढ़ लेते हैं फिर एक ब्रेक देंगे ब्रेक के बाद कवर करेंगे जल्दी से बताइए हम कहा थे कहा थे हम हम इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख रहे थे यहां से वर्ड मिला इनकम हम इनकम वर्ड घूमने निकल गए इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू से याद नहीं रखना इनकम के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना इनकम रेगुलर भी हो सकती है इरेग्युलर भी हो सकती है इनकम टैक्स लेवी किया जाता है लीगल एज वेल एज इलीगल टी ए जजमेंट्स को हम लोगों ने ध्यान में रखा राइट right? सैलरी के पांच हेड है ग्रॉस टोटल इनकम पांच हेड प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन कर दो आपको टोटल इनकम मिल जाएगी लेकिन किसी भी चीज को हम इनकम कम मानते हैं मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाया कि जब आप क्लाइंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट्स देखेंगे तब आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है और उस बेसिस पे आप अपने इनकम को क्या करते हो टैक्स करते हो इन रियल लाइफ क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स के बैंक अकाउंट में अलग अलग क्रेडिट्स दिख सकते हैं यस yes, तो आपको समझना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम है ये आने ये किस तरह की की इनकम है तो जाकर के आप उसे क्लासीफाई कर पाएंगे हेड्स में यस दैट्स इट लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते yeah. हैं एक छोटा सा ब्रेक सी यू आफ्टर द ब्रेक हर रोज ये जो ब्रेक रहेगा ये टेन मिनट्स का रहेगा यस टेन टू पॉसिबली फिफ्टीन मिनट्स हो सकता है बट जनरली इसको टेन रखिए ताकि आपका कंटेंट ज्यादा कवर हो यस yes, चलिए जी सो so, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद जितने बच्चे ऑनलाइन हैं दस मिनट का ब्रेक ले लीजिए एट टेन हम लोग वापस मिल रहे हैं चलिए जी चलिए जी यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक बिफोर द ब्रेक वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम Now we know what is income, what is tax. Now we know what is income, what is tax. Let's come to the another concept which was important earlier as well and <coughs> now as well. Coming to the next concept of previous year and assessment year i am sure you all know what is the concept of previous year and assessment year the year in which income is earned is called as previous year the year in which taxes is paid is called as assessment year believe me this is a vernacular language not the actual language the actual language for the assessment year every year starting from 1st april सो so, हर साल फर्स्ट अप्रैल से जो ईयर चालू हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे असेसमेंट ईयर कहेंगे और ईयर प्रीसीडिंग प्रिसीडिंग असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर पर आप एक बात देखिए जनरली हम लोगों ने सुना है कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर नाम का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में दो दो कॉन्सेप्ट और एग्जिस्ट करते हैं कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर व्हाट इज कैलेंडर ईयर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर एवरी ईयर कैलेंडर ईयर बट आपने एक बात देखी इनकम टैक्स ने कैलेंडर ईयर अडॉप्ट ही नहीं किया पूछो क्यों हम पे ब्रिटिशर्स का रूल रहा है उनका ईयर एंड होता था December के अंदर में तो ब्रिटिशर्स वहां का भी अकाउंटिंग और यहां का भी अकाउंटिंग ईयर एंड पे नहीं कर पाते थे ये उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था तो जितनी भी रूल्ड कंट्रीज थी उन्होंने वहां के लिए क्या कॉन्सेप्ट ला लिया फाइनेंशियल ईयर यानी दिसंबर में वो अपना ईयर एंड करते थे और आज भी अगर आप देखेंगे देयर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर जहाँ पे वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड क्या मना रहा है हैप्पी न्यू ईयर समझ में आ रही बात वो वहां अपने अकाउंटिंग क्लोज करते थे एंड लेटर ऑन बाकी सारे जगह के लिए वो क्या करते थे फाइनेंशियल ईयर तीन महीने का गैप लेते थे और यहाँ की अकाउंटिंग उसके बाद डन करते थे और इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट का क्या हो गया कंसेप्ट आया तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर को अलग अलग कर दिया

दूसरा क्या हर बिजनेस क्लोज क्या मानेंगे प्रीवियस ईयर आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्या है बेटा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इनकम अर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गेट टैक्स इन असेसमेंट ईयर

प्रीवियस ईयर को क्लोज करने के बाद असेसमेंट ईयर की डेट्स पे आपको क्या करना पड़ता है टैक्सेस पे करने पड़ते हैं सो बताइए कैन प्रीवियस ईयर लेस देन मंथ्स यस उसको लाने का तो लॉजिक यही था सो प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ लेस देन ट्वेल्व मंथ्स ये बारह महीने से कम का हो सकता है बारह महीने से कम का हो सकता है यस yes. अच्छा मी इफ द बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, इफ द बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर What is the previous year? What is the assessment year? My question is very clear. If previous year starts from, oh, sorry, if business starts from, थर्डी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वॉट इज़ माई प्रीवियस ईयर व्ट इज़ माई असेसमेंट ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इज़ द प्रीवियस ईयर एंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इज़ द असेसमेंट ईयर एब्सुल्यूटली करेक्ट एंड द आंसर इज करेक्ट बिल्कुल सही क्या सीखा हमने नंबर वन प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ वन डे ऑल्सो समझ में आ रही बात प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ वन डे ऑल्सो एक बात याद रखें इससे ही हमें एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ वन डे ऑल्सो इसी से हमें एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया इन केस ऑफ स्टार्टअप ऑफ बिजनेस प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट और यह एमसी क्यू है इसके पहले पूछा जा चुका है एमसी क्यू है इसके पहले पूछा जासू का है तो अगर बिजनेस स्टार्ट होता है यू हैव टू राइट इट डाउन अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रीवियस ईयर भी उसी दिन से कमेंस होता है जिस दिन से आपका बिजनेस कमेंस हुआ है, yes? है. मान लीजिए आप सभी जानते हैं बिजनेस चालू करने से पहले आपको गुमास्ता लेना पड़ता है कभी सुना है इस बारे में गुमास्ता या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है प्रोपराइटरशिप सर्टिफिकेट भी बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में गुमास्ता बोला जाता है तो मान लीजिए आपने गुमास्ता लिया लेट्स में एंड यू एक्चुअली कमेंस द बिजनेस फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च मुहूर्त अच्छा था तो प्रीवियस ईयर आपका कहां से काउंट हो रहा है जिस दिन से गुमास्ता है या उस दिन से क्योंकि गुमास्ता पे एक डेट होगी या उस दिन से जिस दिन से आपका बिजनेस कमेंस हुआ द लॉ इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट रीजन हो सकता है आप लीगल कंप्लाइंसेस पहले कर दें पर आपकी पहली इनकम जो पहली रिसीट होगी वो तो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पे ही आएगी तो जिस दिन बिजनेस कमेंट्स हुआ हम उसको मानते ना कि रजिस्ट्रेशन को हालांकि इतना डीप मुझे नहीं लगता आपको पूछा जा सकता है बट फिर भी ये आपकी क्लैरिटी के लिए है कि फ्यूचर में चल के किसी क्लाइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्लियर है वैसे जनरली फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब होता है जब आप नॉर्मली अगर आप इंडिया में हैं तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही कब होता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही जिस दिन आप ओपनिंग करते हैं तो जनरली माँ बाप ही कुछ ले लेते हैं या आप अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं उसी दिन वो पहला बिल फाड़ करके दे देते हैं दैट इज कंसिडर्ड और वैसे भी अगर हम एक दिन की बात कर रहे हैं तो एक दिन में आप इतनी इनकम जनरेट नहीं कर देंगे जो टैक्सेबल ही हो जाए अनलेस एन अन पहले दिन का सेल्स बहुत बड़ा हो राइट right? तो माना तो इस दिन से ही जाता है कि जिस दिन आप कमेंट्स करते हैं ओके okay. देन आते हैं हम असेसमेंट ईयर पे क्या प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है आंसर इज यस असेसमेंट ईयर इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर वी पे टैक्स In the assessment year, we pay the tax in assessment year. Assessment year is always of 12 months. याद रखे असेसमेंट ईयर शॉर्ट नहीं होता असेसमेंट ईयर पूरे बारह महीने का ही रहता है असेसमेंट ईयर पूरे बारह महीने का ही रहता है जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असमेंट इट इज द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असमेंट इयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असैसमेंट ईयर जनरली ये रूल है जिस साल की इनकम है उसी साल में क्या करना पड़ता है देना पड़ता है बट 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 इसके कुछ एक्सेप्शन है इसके कुछ क्या है एक्सेप्शन और ये थ्योरी में आपको पूछा जाता है फाइनल लेवल पे ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इसी को ऐसा भी बोला जा सकता है व्हाट आर द केसेस वेयर प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर व्हाट आर द केसेस वेयर प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जान रखिएगा इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है पूछा जाता है सो so, आइए समझते हैं वट आर दी एक्सेप्शन पहला एओपी बी ओ आई फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एओपी एंड बी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत सारे इवेंट इंडिया में ऐसे होते हैं जो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और इन शॉर्ट ड्यूरेशन में भी दे अर्न इनकम सर क्या आप मुझे कुछ ऐसे इवेंट्स बता सकते हैं जो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं आप कौन कौन से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ सर ये बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं मैं बताऊं सबसे पहले गणपति आपके बहुत सारे जो गणपति के इवेंट्स होते हैं राइट ये क्या होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं इसमें बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट होता है

Yes or no. ये है या नहीं है मैं इस बात पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं हम वापस से yes. आपको एंटर करवाऊंगा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव को भी इनकम माना गया है समझ में आ रही हुआ इसीलिए मैंने कहा एक बार में पढ़ लो मजा नहीं आएगा धीरे धीरे पढ़ते जाओ डी टी चढ़ते जाएगा वापस से आना ठीक है सो एओपी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन गणपति हो गया आपने देखा होगा नवरात्रि एक ऐसा इवेंट है जहां पे क्या किया जाता है पास सेल किए जाते हैं पास सेल करके गरबा किया जाता है इनकम तो हुआ ना एडवर्टीजमेंट लगाई जाती है गरबा इवेंट्स पे सोचते जा एडवर्टीजमेंट लगाई जाती है एडवर्टीजमेंट से आने वाली इनकम ये सो नो कई छोटे छोटे स्टॉल वालों को बोला जाता है आप अपना प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया जाता है AOP, BOI, these are form for short duration. These are unregistered organization. Unregistered organization मतलब क्या होता है? इन्ने कोई specific registration नहीं किया हुआ होता है. Unregistered organization generating an income क्या किया जाता है? Tax किया जाता है. जिसको हम बोलते हैं BOI या AOP. अच्छा, दूसरी बात. एक और याद दिलाता हूँ आपको. बहुत सारे music events. बहुत सारे music events. अरिजीत सिंह सर आ गए. यस yes, पीयूष मिश्रा सर आकर के बल्ली मारन का प्रोग्राम कर रहे हैं किसी सिटी के अंदर में तो ये जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं डांस कॉन्सर्ट होते हैं ये क्या किए जाते हैं ये एक या दो दिन के बहुत बड़े इवेंट yes, होते हैं ए आर रहमान सर आ गए यस ये म्यूजिक इवेंट्स होते हैं पासिस सेल किए जाते हैं लिकर सेल की जाती है एडवर्टीजमेंट सेल की जाती है पासिस सेल किए जाते हैं आने वाली इनकम एओपी बी ओ फॉर्म फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन अब आप मुझे बताइए अगले साल ये इवेंट होगा जरूरी है नहीं क्योंकि देखिए <coughs> आर रहमान सर अगर मैं सिर्फ पुणे की बात करूं ए आर रहमान सर पुणे में तीन साल बाद आए पहले आए थे तीन साल पहले और तीन साल बाद आए अब जरूरी अगले साल ही आएंगे अब क्या होगा जो ऑर्गेनाइजर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास जाता है लाइए सर टैक्स दीजिए ऑर्गेनाइजर क्या बोलेगा सर पुचा वर्षी लौकरिया अगले साल हम आएंगे अगले साल टैक्स देंगे एकदम कॉमन सेंस बताइए अगले साल ऐसा कोई इवेंट होगा ये जरूरी है आंसर इज नो तो क्या किया जाता है इनको टैक्स भरना पड़ता है उसी ईयर के अंदर में उसी प्रीवियस ईयर में ही जित इनकम कमाई उस प्रीवियस ईयर में ही दे नीड टू पे टैक्स इसके टैक्स कंप्लाइंसेस उसी प्रीवियस ईयर में करने होते हैं इसके बाद में बहुत सारे रेसिंग इवेंट्स होते हैं F1 वन रेसिंग इवेंट्स हुआ स्पोर्टिंग इवेंट्स हो गए जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं इनके जो इनकम आ रही है दीज आर कॉल्ड एज ए फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और ये क्या पे करते हैं टैक्सेस पे करते हैं दूसरा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस ट शिपिंग बिजनेस वॉट इज नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस मान लीजिए कोई अगर शिप ऑपरेट कर रहा है अगर कोई क्या कर रहा है शिप ऑपरेट कर रहा है बराबर मुंबई पोर्ट पे अपनी शिप लेके आता है यहां से गुड्स मेल्स एंड अदर चीजें उठाता है और उसको चाइना लेके जाता है तो डोंट यू थिंक यहां से तो आप इनकम कमा करके लेके जा रहे हो क्या आपको पता है अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट या कोई भी शिप को इंडियन पोर्ट छोड़ना होता है तो वहीं कस्टम ऑफिसर के बाजू इनकम टैक्स ऑफिसर भी बैठा होता है उनको जाकर के जितना इनकम आपने इंडिया से जनरेट किया है उस इनकम का एक वहीं तुरंत फॉर्म भरना पड़ता है उससे रिलेटेड टैक्सेस वहीं पोर्ट पे पे होते हैं और फिर आप उसको क्या करते हो लेके आते हो जैसे आप मान लीजिए फॉरन से क्या लेके आए एक ड्रोन लेके आए चाइना से आप ड्रोन लेके आए आपको ऐसे कस्टम में एयरपोर्ट पर ही डिक्लेयर करना पड़ता है एयरपोर्ट पर उससे रिलेटेड कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है है और फिर उसको क्या करना पड़ता है लेके आना पड़ता है समझ में आ रही बात सो नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है आप जिस टाइम पोर्ट से निकल रहे हैं उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स भरिए टैक्स क्लियरेंस अथॉरिटीज़ को दे और फिर आप शिप से निकलेंगे दैट मींस यू पेड इन द प्रीवियस ईयर ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस ना वॉट डू यू मीन बैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉयड टैक्सेस पावर है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास है एक पावर है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास है यह पावर कहता है यह पावर कहता है दैट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या मान लीजिए अथॉरिटीज को ये लगता है कि जिसके ऊपर हम रेड कर रहे हैं या जिसके ऊपर टैक्स कंप्लायसेस चल रहे हैं ये अपनी प्रॉपर्टी बेच करके हो जाएगा विजय मालिया ये रातों रात यहां से निकल जाएगा क्योंकि देखिए इतना बड़ा आसान है जो लोग ब्लैक में डील करते हैं ना ये लोग क्या करते हैं आपको बताऊं मैं इसका मॉडल्स ऑफर इंडिया आपको समझाता हूं ये लोग क्या करते हैं ये लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज के वीजा लेके रखते हैं अब जैसे यूएसए का वीजा दस साल के लिए मिलता है तो ये जब अपने हाइस पे होते हैं ये क्या करते हैं दस साल का वीजा लेके रख लेते हैं ताकि कल उठ के फ्लाइट से निकलना पड़े तो हम निकल जाए समझ में आ रही बात या पैसा इतना होता है ट्रिप प्लान नहीं कर सकते और अचानक से इनको भगना है तो ये क्या करेंगे ये निकल जाएंगे अच्छा इनफैक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए वापस इंडिया आने की भी जरूरत नहीं पूछो क्यों मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी है जो मैं मैं बैठा हूं लेट से नागपुर के अंदर में और मुझे पुणे की कोई अर्जेंट प्रॉपर्टी सेल करनी है मैं क्या कर दूंगा मैं तुरंत एनओसी

टैक्स भरवाता है इन द प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ इन द प्रीवियस ईयर सेल्फ उससे क्या भरवा देता है टैक्स भरवा देता है हालांकि आज तक के इंडिया में कभी भी इतना प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाया गया किसी भी भगोड़े के लिए ये एक पावर है जिसे यूज किया जा सकता है करता कोई नहीं है ठीक है चौथा क्लोजर ऑफ बिजनेस क्लोजर ऑफ बिजनेस वट डू यू मीन बाई क्लोजर ऑफ बिजनेस बट ए क्लोजर ऑफ बिजनेस अगर कोई व्यक्ति का बिजनेस क्लोज हो रहा है मतलब अगले साल तो डेफिनेटली वो उस बिज़नेस से रिलेटेड रिटर्न भरेगा नहीं तो उसको क्या करना पड़ता है ध्यान से सुनिए प्रोसेस सुनिए उसको अपना पूरा जितना भी इनकम है इस इनकम पे बेसिस पे उसको टैक्स भरना पड़ता है इनकम टैक्स चलान जो अपन चलान भरते हैं एडवांस टैक्स के लिए टू एटी वो चलान के अंदर में उसको अपना टैक्स भर देना पड़ता है साथ साथ में पैन कार्ड सरेंडर प्रोसेस लगती है क्योंकि जब आपने बिजनेस चालू किया होगा बिजनेस से रिलेटेड पैन कार्ड बनाया होगा रेस तो आपको पैन कार्ड भी सरेंडर करना पड़ता है इतने से से काम नहीं होता कि आप क्या कर दो सिर्फ बिजनेस क्लोज कर दो ताला लगा दो चलो आज से धंधा बंद नहीं इससे रिलेटेड पैन कार्ड क्लोज करना पड़ता है इससे रिलेटेड जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा वो क्लोज करना पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड एक्टिव दिखता है जिसके अगेंस्ट में आप अगले साल रिटर्न भरोगे ही नहीं नॉन कंप्लायंस ऑफ रिटर्न के लिए क्या किया जाएगा आपको पे पेनल्टी लगा दी जाएगी तो इन ऑर्डर टू सेव पेनल्टी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू लेटर ऑफ कम्युनिकेशन दैट सर वी आर क्लोजिंग डाउन दिस पर्टिकुलर फर्म एंड बाय वी आर सरेंडरिंग द पैन तब जाकर के क्या किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे क्लोज मानेगा एंड hmm. लास्ट पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली नाउ अंडरस्टैंड पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली क्या होता है बेटा ये पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली का मतलब यह होता है कि अगर आप मान लीजिए देश से बाहर जा रहे हैं परमानेंट राइट एंड

इज वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू परमानेंट वीज़ा तब जाकर अप्लाई होता है सो अगेन इन दैट केस ऑल्सो यू आर द टैक्स इन द प्रीवियस एक और आता है हालांकि वो जनरल लिस्ट में नहीं आता जब आपके ऊपर असेसमेंट्स हो जाती है <coughs> तो आपको उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना होता है पर वो ये लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है पूछो क्यों क्योंकि वो टैक्स जो होता है वो अर्लियर ईयर से रिलेटेड होता है उस प्रीवियस ईयर का नहीं इसलिए वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है यस yes? तो चलिए ये क्वेश्चन थेरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए अपने रजिस्टर में ये इसको थेरी में पूछा जाता है मैं आपको बता दूं बहुत सारी इंडिया लेवल पे जो टेस्ट सीरीज होती है उनमें चैप्टर नंबर वन का जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें यह क्वेश्चन मैंडेटरी है मतलब वो ये पूछता ही पूछता है यस yes? चलो वन टू थ्री स्टार्ट बोले जल्दी से हम्म hmm. वट इज द जनरल रूल हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा हमने असेसमेंट ईयर पढ़ा हमने ये पढ़ा कि भैया बिजनेस जिस दिन स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर उस दिन स्टार्ट होता है ये yes, एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है फिर हमने पढ़ा जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर और उसके कुछ एक्सेप्शन है नोट से भी देख लेते हैं जल्दी से बताइए सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेक्शन टू द ईयर इन विच इट इज चार्ज टू टैक्स इट इज अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर यस प्रीवियस ईयर इज द इयर इन विच इनकम इट इज सेम एज फाइनेंशियल ईयर राइट बताइए सपोज कर लीजिए आपका प्रीवियस ईयर एक चार 2023 से लेके 31 तीन 2024 तक के है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हुआ 24 25 यस इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस डेट ऑफ कमेंसमेंट शैल बी कंसिडर्ड जनेस स्टार्टेड ऑन वन एट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉट इज द असेसमेंट इयर एंड प्रीवियस ईयर असेसमेंट इयर इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव प्रीवियस ईयर इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर क्लियर है मालिक वॉट इज द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर सो लेट से इनकम इज अर्न इन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर असेसमेंट इयर इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव येस बताइए इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जनरल रूल के वॉट आर द जनरल रूल के एक्सेप्शन पहला एओपी बी आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली एंड डिसकंटिन्यूड बिजनेस इन सभी केसेज में आपका प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर क्लियर है इसीलिए देखिए नोट्स में आपको मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिख करके दे दिया कि ये इंपॉर्टेंट है इसको भूलना नहीं है इज इट डन मलिक तो देखो अब तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा आज के आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने इनकम पढ़ा हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा हम लोगों ने असेसमेंट ईयर पढ़ा हम लोगों ने इसके क्या पढ़े मालिक एक्सेप्शन पढ़े फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा बताओ आज के तारीख में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 265 सिक्सटी फाइव विथ टू एंट्री नंबर टू एंड फोर्टी सिक्स टू यूनियन एंड स्टेट लिस्ट अब तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है लेक्चर के अंदर में एवरीबॉडी चलो मालिक आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं आपने ये देखा था कनेक्टेड टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपने ये देखा था <coughs> कि हर रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है <coughs> हर रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है रेवेन्यू रिस आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एंड एंटिल डिडक्शन और एक्जम्शन इज अवेलेबल सो आई अज्यूम दैट यू नो वॉट इज डिडक्शन एंड एक्जम्पन आप इंटरनल ऑडिट में अपने जीवन भर काम नहीं किया है आपको डिडक्शन एंड एक्जम्पन पता है तो फेयरली बताइए डिडक्शन एंड एक्जम्पन क्या होते हैं डिफरेंस समझा दीजिए यस परफेक्टली राइट अगर कोई चीज एग्जम्ट है मतलब वो टोटल इनकम का ही पार्ट नहीं बनती यानी अगर इसको हम लिखेंगे नहीं ये चीज ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है चेक करिए अगर आपकी इनकम एग्जाम है तो ये हंड्रेड परसेंट एग्जाम है जबकि डिडक्शन पार्शल होता है इफ यू सेटिस्फाई सर्टन कंडीशन देन यू गेट डिडक्शन ये सो नो डिडक्शन जो होते हैं ये दो वे में अवेलेबल होते हैं एक होता है हैडवाइज डिडक्शन याद करके देखिए आपके क्लाइंट का जो घर का इंटरेस्ट है आप उसको 24 के अंदर में डिडक्शन लेते हो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को येस yes. और दूसरा जो आपको मिलता है वो है ग्रॉस टोटल इनकम से जैसे एल जो आपका क्लाइंट पे कर रहा है आप उसको एटीसी में कंसिडर करते हो मेडिकल जो पे कर रहा है उसको एटीडी में कंसिडर करते हो याद आ रहा है आपको एग्जामेशन जो होता है ये हम टोटल इनकम में ही काउंट नहीं करते जिसका मतलब समझिए मतलब समझिए मान लीजिए आपका पीजीबीपी इनकम है लाख और सपोज कर लीजिए आपका एग्रीकल्चर इनकम है लाख तो आपका टोटल इनकम कितना माना जाएगा लाख ओनली आपका बैंक अकाउंट में रिसिट कितना दिख रहा होगा सिक्स लाख बट आपकी इनकम कंप्यूट करते वक्त आपका इनकम कितना माना जाएगा छह लाख आपके मन में वापस से वो सवाल क्लिक कर सकता है पर सर आपने तो कहा था एग्रीकल्चर पर टैक्स लगता है मैंने कहा इनकम पांच लाख है मैंने आपको टैक्स निकालना नहीं बोला मैंने कहा इनकम पांच लाख है इस पर टैक्स कैसे निकलेगा वो मेथड ऑफ एग्रीगेशन में देखेंगे जो है ये हेड में भी कवर है और चैप्टर सिक्स में भी कवर है जबकि एक्जन इनकम टैक्स में दो जगह कवर है सेक्शन टेन गिव्स यू अ होल लिस्ट ऑफ इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल एक्समट है दूसरा सेक्शन फिफ्टी फोर की सीरीज याद होगा तो कैपिटल गेन में फिफ्टी फोर की सीरीज सीरीज से मिलता है प्रॉपर्टी 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 बेच बेच के 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 ले ले property के ले बॉन्ड खरीद ये सब 54 की है, बाका दूसरा 54 तो आप कैपिटल गेन में पढ़ेंगे yes no? बहुत बढ़िया आ जाओ बेटा सेक्शन वन इतने सारी चीज पढ़ने के बाद आप सेक्शन नंबर वन पे आ रहे हो सेक्शन वन आपने एक चीज देखा बचपन से जब भी आप एक्ट पढ़ रहे थे बचपन मतलब आपने फाउंडेशन पढ़ा आप लोगों ने इंटर पढ़ा आप हमेशा जाकर नंबर टू पे पहुंच जाते थे बिकॉज सेक्शन नंबर टू प्रोवाइड्स डेफिनेशन सेक्शन नंबर वन क्या होता है किसी भी एक्ट में सेक्शन नंबर वन का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट अगर सेक्शन नंबर वन नहीं दिया है यू मीन शॉर्ट टाइटल एंड टाइटलेंट ये आपको एक बात बताऊं पता नहीं मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था बट मुझे आज तक के किसी लीगल बुक में ये चीज देखने को नहीं मिली जब हम लिखते हैं ना वर्ड सेक्शन बराबर है तो ये दो शब्द का मीनिंग है सी टी आई ओ एन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट इनिशिएशन तब जाके ये वर्ड बना सेक्शन ये इंटरनेट पे पड़ी हुई चीजें हैं और जब तक के किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं लिखा मैं इस बात को बिलीव नहीं करता पर इसी के साथ साथ इंटरनेट पे ये भी चीज लिखी थी कि शॉर्ट टाइटल मतलब हर सेक्शन को एक नाम होगा एक शॉर्ट टाइटल दिया होगा जैसे सेक्शन थर्टी सेवन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर यस दूसरा है एक्सटेंट मतलब सेक्शन खुद बताएगा मैं किस पे एप्लीकेबल हूं पे नहीं सो इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन तीसरा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट सेक्शन खुद बताएगा मैं किस दिन से कमेंस हो रहा हूं एंड अनलेस अ स्पेसिफिक डेट इज सेक्शन का कमेंसमेंट डेट एक्ट का कमेंसमेंट डेट माना जाता है तो कहीं पड़ा था बट आप इसके ऊपर फोकस मत कीजिए

इंडिया के डेफिनेशन का सबसे बड़ा आपको में काम आता है, वो भी कस्टम पार्ट में yes? तो इसको वहां पढ़ना चाहिए मैं आपको बता दू. मतलब कहां तक फैला हुआ है एक्सटेंड होता है अंडरस्टैंड कीजिए आपको आईडी में भी सेम तरीके का डेफिनेशन दिख जाएगा मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं इंडिया का पोर्ट यहां से पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक के कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर क्या कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर क्या आप जानते हैं एनी थिंग विच कम इन टेरिटोरियल वाटर इज कॉल्ड एज इंपोर्ट एंड एनी थिंग विच गोज आउट ऑफ टेरिटोरियल वाटर इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो क्राइटेरिया है यह टेरिटोरियल वाटर से चलता है लेकिन इंडिया की टैक्सेशन बाउंड्रीज टेरिटोरियल यू नो टेरिटोरियल वाटर तक के नहीं है इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या आता है कॉन्टीजियस जोन और 200 नॉटिकल माइल्स तक के आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बराबर है तो पहले 12, water, 12 miles, zone, zone, so आपका टेरिटोरियल वाटर नेक्स्ट कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है एंड होता है यहां कमाई हुई किसी भी तरीके की इनकम आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन लॉज इन इंडिया यहाँ कौन कौन सी इनकम कमाई जाती है जिसमें से सबसे बड़ी इनकम होती है ऑयल एक्सट्रैक्शंस, हाई सीज में से ऑयल एक्सट्रैक्शंस होता है मान लीजिए अगर ये ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी ने यहीं से डील कर दिया क्रूड निकाल करके किसी हाई सीज के इनको बोला कि आप यहाँ आइए यही हम यहीं से क्रूड रिफिल करेंगे और यहीं से क्या कर जाए निकल जाए इसका इनकम कहाँ कंसिडर किया जाएगा अगर ये 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स के अंदर में निकाला गया हाईसीज है तो इससे रिलेटेड जो इनकम टैक्स है वो आपको कहां देना होगा इंडिया में ही देना होगा दूसरा आपके मन में जो इमीडिएट सवाल आया उसका भी जवाब है मेरे पास सर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स के बाद यहां क्रूड ऑयल निकाला गया इसका क्या होगा इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स इसे हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स और जब दो कंट्रीज यहां इन्वॉल्व हो जाती है अब जैसे अगर देखा जाए इंडिया के केस में यहां पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है इंटरनेशनल वाटर्स क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल वोटर्स हम शेयर करें नीचे इधर श्रीलंका आ जाता है यस तो ऐसे केस में क्या किया जाता है उनके साथ हमारा डी तो उस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी होती है कि भैया इस तरह पे या इस जगह पे कोई इनकम जनरेट हुई तो उसका क्या किया जाएगा इस जगह पे कोई इनकम जनरेट हुई तो उसका क्या किया जाएगा इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इनकम भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इनकम भी कहा जाता है पहला आता है ऑयल एक्सट्रैक्शन से दूसरा आता है फिशिंग एक्टिविटीज फिशिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम <coughs> वो भी यहां पे टैक्सेबल होता है इफ इट इज विद इन टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स एक और बात मैं आपको बताऊं यहां पे कोई बॉर्डर नहीं है ये एक इमेजिनरी लाइन है ये कोई बॉर्डर नहीं है ये एक इमेजिनरी लाइन है बराबर है तो ये इमेजिनरी लाइन के तहत ये कंसिडर किया जाता है अब आपके मन में एक और सवाल उठा उस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ सर अगर ये इमेजिनरी लाइन है तो ये तो बहुत ईजी है टैक्सेशन यू नो अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं पर आपको नहीं लगता आप बहुत लेट सोच रहे हैं आपके पहले भी जो लोग इस धंधे में हैं उनने भी तो इस बात को सोचा ही होगा ना कि भाई इसको क्या कर जाएंगे हम सर पास कर जाएंगे कैसे पता चलेगा टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स वो भी पानी के अंदर है सो जो टाइटैनिक शिप को देखने गई टाइटैनिक थी उसको भी नहीं पता चला गहराई में जाके वो डूब जाएगी तो हमको कैसे पता चलेगा सर हम तो प्यार में भी अब तक अच्छे से नहीं डूबे हमको कैसे पता चलेगा कि डूब जाएगी अंडरस्टैंड क्या आप जानते हैं कस्टम डिपार्टमेंट जो है ना उनने बहुत पहले इस बात को सोच लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा कस्टम डिपार्टमेंट्स के पास बोला कि यार ये तो बहुत मुश्किल है ये पता करना <coughs> पूछो क्यों क्योंकि देखिए जो लोग शिप में काम कर रहे हैं जिनको कहा जाता है शिप क्रू मेंबर बराबर है वो भी तो इस तरीके से आसानी से टैक्स अवॉइड कर देते होंगे ये कह के कि हम तो इंडिया में थे ही नहीं हम तो हाई सीज में थे कितना आसान है इस तरीके के टैक्स को अवॉइड करना खैर कंपनी है इनके ट्रांजैक्शन पूरे किसी के हेड ऑफिस से होते होंगे तो इनके केस में अब ऐसा नहीं होता कि ये बार के बाहर ही कुछ कर दें क्योंकि कोस्टल गार्ड्स रहते हैं जो इन चीजों पर निगरानी रखते हैं पर आप सोच के देखिए सबसे ज्यादा टैक्स कौन अवॉइड करता होगा सबसे ज्यादा टैक्स ऑन अ डेली बेसिस तो शिपक्रू मेंबर्स अवॉइड करते होंगे जो ये कह देते होंगे कि सर हम तो हाई सीज में थे हम तो इंडिया में थे ही नहीं आप इंडिया में कैसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कस्टम डिपार्टमेंट की हेल्प मांगी कि आप हमें कुछ ऐसा करके बता दीजिए जहां से हमको क्लियर कट पता चल जाए दैट दिस पर्सन इज इन इंडिया और नॉट इन इंडिया कस्टम डिपार्टमेंट तब से सी इशू करने लग गए हम जब रेसिडेंशियल स्टेटस में रहेंगे तब इस पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे सी जिसको कहा जाता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो शो करता है कि आप कितने दिन कहां थे आउटसाइड इंडिया कि आप इंडियन वाटर्स में थे ही नहीं इससे क्या फायदा हुआ इससे फायदा यह हुआ कि कल चल के अगर शिप क्रू मेंबर आके बोलता है मैं इंडिया में था ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता सर्टिफिकेट दिखा सीडीसी में क्लियर कट लिखा होता है इतने दिन से लेकर इतने दिन तक के ये हाई वाटर्स में था हाई सीज में था अब इससे बड़ा क्लियर है जितने दिन वो वहां था उतने दिन वो इंडिया में था ही नहीं इस बात का सोल्यूशन इस तरीके से निकाला गया क्योंकि ये जो टैक्स चोरी का दिमाग है ना ये आपका डेली मेरे साथ चलेगा और हम जैसे 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 सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे ना आपके दिमाग में बहुत सारी खुराफाती चीजें आती रहेंगी बट बिलीव मी यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन इनकम टैक्स एक दिन में नहीं बना इसे शायरी से कहना चाहूंगा इनकम टैक्स जब भी कोई व्यक्ति सोचता है तो ऐसे टैक्स चोर लूंगा वैसे टैक्स चोर लूंगा वैसे टैक्स छोड़ लूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे मैंने खुद को बनाने में सदियां बिताई है इनकम टैक्स को एक दिन में नहीं बनाई जो आज आपके दिमाग में चोरी चकारी प्लानिंग ये जो आपके दिमाग में आज प्लानिंग सोच रही है ना जिनका तो धंधे ही यही है वो तो कई सालों से कर रहे हैं जिनके धंधे ही यही है

इनकम टैक्स के इधर आता है इसके बाहर कुछ भी हुआ ये इंटरनेशनल टेरिटरी में जाता है और फिर उसके ऊपर के लगते हैं कि किस तरीके से टैक्स होगा हो सकता है ये दूसरा कंट्री एक्सम्ड कर दे DTAA का इंटरनेशनल टैक्स में पड़े पड़ेंगे इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल वन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स टेरिटोरियल वाटर सी बेड सब सॉइल लाइंग वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो इंडिया कहाँ तक के चल रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एनी अदर मेरी जोन एंड द एयर स्पेस अबाउ इट्स टेरेटरी एंड टेरेटोरियल वाटर इनफैक्ट एयर स्पेस में भी आपको इनकम कमा रहे हैं मान लीजिए यहाँ से एक मस्त मुंबई से फ्लाइट उड़ी और वो गुजरात के यहाँ जा रही है और यहाँ क्या हुआ फ्लाइट के अंदर में कोई प्रोडक्ट सेल होता है फ्लाइट के अंदर में प्रोडक्ट सेल, 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 सेल हुआ इसका भी कहां आएगा? Only, आपका कहां किया जाएगा इंडिया में ही टैक्स किया जाएगा क्लैरिटी है मालिक यस सो so, इंडिया कहां तक एक्सटेंड कर रहा है इंडिया एक्सटेंड अप टू टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स आपके मन में सवाल पूछेगा कि सर एक नॉटिकल माइल्स कितना होता है 1.845 किलोमीटर का आपका एक नॉटिकल माइल्स होता है रफली या 1.84 बोल दोगे तो भी चलेगा 1.84 किलोमीटर का एंड ये एक इमेजिनरी लाइन ने याद रखिएगा क्लियर है डी में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कस्टम में इसका रिलेवेंस सबसे ज्यादा है पर हाँ हमें पढ़ाना पड़ता है क्यों पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपके मॉड्यूल में भी दिया है तो एज इट इज मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा सो इंडिया एक्सटेंड्स टू सॉरी इनकम टैक्स एक्सटेंशन टू होल ऑफ इंडिया इंडिया मतलब समझ में आया क्या होता है इंडिया कहां तक फैला हुआ है, 200 तक के फैला हुआ है. अब हंड्रेड समझ माइल्स नंबर वन पढ़ लिया शॉर्ट टाइटल गवर्नमेंट सेक्शन नंबर टू बहुत सारी डेफिनेशन है ओवर द इनकम टैक्स पढ़ेंगे बराबर है सेक्शन नंबर थ्री तेरा प्रीवियस ईयर असेसमेंट डेफिनेशन था सेक्शन नंबर वन रिकॉल कर सेक्शन नंबर वन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट एक्साम सेक्शन नंबर टू वेरियस डेफिनेशन रेलिवेंट अलग अलग चैप्टर्स के अंदर में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर थ्री प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डन अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर फोर के ऊपर लॉजिक समझ रहा है सभी को मैं कुछ और बातें आपको बहुत क्लियर कर दू डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स जो सब्जेक्ट है ना वो आपके ए बी सी डी जैसा नहीं है पहले ए पढ़ो फिर बी पढ़ो फिर सी पढ़ो पढ़ो फिर डी इनकम टैक्स बहुत अलग अलग जगह से कनेक्टेड है और इनकम टैक्स का सही क्लैरिटी लेने के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप इसको लाइन से नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक चीज इधर है एक चीज उधर है एक चीज उधर है बिल्कुल अलग अलग जगह फैला हुआ है तो आपको मजा ही तब आएगा जब आप इसको कंबाइंड करके पढ़ोगे उसके पहले आपको मजा नहीं आने वाला तो पूरे चैप्टर के अंदर में ऐसा हो सकता है हम किसी भी सेक्शन से किसी भी सेक्शन में जाएं और बाद में आकर के इस सब को क्या करें कनेक्ट करें इसीलिए आप देखिए हमने जब डी टी एज एन एक्ट की शुरुआत करी मैंने आपको पहले वन नहीं पढ़ाया मैं आपको सीधा टू के डेफिनेशन में लेके गया जहां जहां वर्ड आए और फिर वापस लेकर के आया इधर अब अगर मैं रिकॉल करवा रहा हूं तो वन इज शॉर्ट एटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट टू वेरियस डेफिनेशन जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पढ़ेंगे थ्री इज प्रीवियस ईयर एंड फोर्थ जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा सेक्शन नंबर चार इंपॉर्टेंट है चारों सेक्शन में ठीक है रजिस्टर में आइए रजिस्टर में आइए एज इट इज इसको कॉपी कीजिए और जैसे लिखा है प्लीज वैसे ही कॉपी कीजिए सेक्शन नंबर फोर को कॉपी करो इनकम टैक्सेस पीपल और जैसे जैसे लिखा है वैसे ही करना पेज की चिंता मत करना Income taxes payable for any assessment year. Income taxes payable for any assessment year at the rate specified in Annual Finance Act. इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर मालिक लेट्स स्टॉट चलिए प्लीज मेरे साथ एक बार वापस से बोलिए जोर से इनकम टैक्सेस पेबल आप ऑनलाइन बैठे हैं, जीडी में बैठे हैं, सर कोई फर्क नहीं पड़ता आवाज निकालो इनकम टैक्सेस पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर, एट द रेट स्पेसिफाइड इन एन्यंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस इुक जा वेदर यू नो वॉट इज इनकम देखो मैंने आपको क्या तोड़ तोड़ के पढ़ाया क्या आपको पता है इनकम मतलब क्या होता है ये इज इनकम डिफाइंड चलो रिकॉल करो इज इनकम डिफाइंड अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी फोर ये इट शुड बी रेगुलर इ बोथ लीगल इ लीगल बोध इनकम मीन रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती ओनली रेवेन्यू रिसीट्स आर चार्जेबल टू टैक्स याद आ रहा है ठीक है यहाँ पे इनकम टैक्स इज पेबल एक मिनट डू यू नो वट इज टैक्स ये यू नो वट इज टैक्स मुझे बताइए टैक्स का मतलब सिर्फ टैक्स है या सरचार्ज एंड सेस भी टैक्स का पार्ट है स yes, जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है क्या आर्टिकल नंबर टू सिक्स एंट्री नंबर एटी टू टू दूनियन लिस्ट याद आ रहा है सो इनकम टैक्स इज पेबल भैया ये कह रहे हैं इनकम टैक्स पे करना है कब पे करना है असेसमेंट ईयर में स्टॉप क्या हमने असेसमेंट ईयर वर्ड भी पढ़ लिया यस असेसमेंट इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एनी ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड एज

मैं आपको बताऊंगा कि कल से आपको लेक्चर में क्या क्या चीजें जरूरी होगी ठीक है इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम भाई जी टोटल इनकम कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम टोटल इनकम मतलब क्या क्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से एक मिनट और रिवर्स जाओ वॉट इज ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम मैं तुमसे पूछ रहा हूं वट इज ग्रॉस टोटल इनकम सिंपल इन्हें टोटल इनकम प्लस डिडक्शन क्रॉस टोटल इनकम या पांच हेड प्लस माइनस इनकम याद आ रहा so है देखे नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर हिंदी में अगर मैं इसे कहना चाहूंगा किसी भी पर्सन की प्रीवियस ईयर की कमाई हुई टोटल इनकम पे हमें इनकम टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा है समझ में आया पूरा वर्ड वर्ल्ड आप सुनिए किसी भी पर्सन की टोटल इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पर इनकम टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा है समझ में आ रही बात अब हम प्रीवियस ईयर जानते हैं अब हम असेसमेंट ईयर जानते हैं हम टोटल इनकम जानते हैं हम इनकम टैक्स जानते हैं पर हाँ, person हमें नहीं पता पर्सन हमें नहीं पता क्या पर्सन डिफाइंड है जब भी कोई वर्ड अब मैं आपको थोड़ा सा और लॉ समझा रहा समझिए। जो भी कोई word है, सबसे पहले आपको कहां जाके ढूंढना होता है डेफिनेशन में जाके ढूंढना होता है कि क्या यह वर्ड डिफाइंड है लॉ आपको सबसे पहले जाकर के देखना होता है वेदर द डेफिनेशन डिफाइन दिस पार्ट इफ दे डों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच हैज एक्सप्लेन इट क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कोई जिसने उसको एक्सप्लेन कर रखा है मान लो ना एक्ट में लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट में लिखा है फिर याद करो आपने कहीं पढ़ा है हाँ कहाँ अगर आप ओल्ड सिलेबस में लॉ पढ़ा है तो आपको एक एक्ट हुआ करता था जनरल क्लॉज एक्ट जनरल क्लॉज एक्ट क्या करता है सारे डेफिनेशन और वर्ड्स एक्सप्लेन करता है कि भैया अगर कुछ नहीं लिखा है तो जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा है समझ में आ रही बात तो चलो वापस से हाउ यू शुड रीड लॉ सबसे पहले जाकर के कि किसी भी वर्ड का मीनिंग कांड ढूंढना है एक्ट में ही डेफिनेशन में ढूंढी नहीं मिल रहा कांड ढूंढो क्या कोई कोर्ट जजमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर कहीं इसको डिफाइन किया है क्या क्योंकि ये सब इनकम टैक्स के स्कोप में आता है यहां पे भी नहीं लिखा है कोई बात नहीं आप जनरल क्लॉज एक्ट में जाकर ढूंढ सकते हो अब आते हैं पर्सन के डेफिनेशन पे क्या इनकम टैक्स में पर्सन लिखा है वेल द आंसर इज येस वही डेफिनेशन जो आपको हंड्रेड आती है कितने तरीके के अजूबे धरती पे सात सात तरीके के पर्सन है इनकम टैक्स में पहला पर्सन इंडिविजुअल पहला किसको कवर किया गया है इंडिविजुअल Individual. हाँ हाँ? अप्रूवल तो है बट कोर्ट से अप्रूवल आने से बहुत पहले से ही आप इनकम टैक्स में ट्रांसजेंडर को भी कवर करते हैं बताइए माइनर्स भी इंडिविजुअल्स में आते हैं क्या माइनर को भी पर्सन मान के क्या माइनर से भी टैक्स लिया जा सकता है क्या बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ आपको याद होगा आपने इंटर में ऑलरेडी क्लबिंग प्रोविजन पढ़ा था सेक्शन सिक्सटी फोर वन है माइनर की कुछ इनकम पे माइनर को ही टैक्स देना होता है फॉर एग्जांपल माइनर ने स्किल एंड डेवलपमेंट से कमाया है तो याद आ रहा है आपको स्किल एंड डेवलपमेंट से अगर कमाया है तो माइनर को ही इसके ऊपर टैक्स देना है अच्छा एक और बात बताइए सीनियर सिटीजन भी इसके अंदर में कवर होते हैं येस नॉन रेसिडेंट्स भी इसके अंदर में कवर होते हैं यस वो भी इंडिविजुअल है तो मेल या फीमेल ही सो इंडिविजुअल मतलब क्या होता है बालिक इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन

बेसिक टेस्ट करता हूँ आपके कैन वुमेन भी करता आंसर इज यस हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 वुमेन कैन भी करता ठीक है दूसरी बात इस को पार्सनर ऑफ एच एंड मेंबर ऑफ एच सेम मैं आज ही आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ ये पूरा चैप्टर है आप लोगों को जो मैंने आपसे कहे ना 48 चैप्टर उसमें से एक चैप्टर ये भी है टैक्सेशन ऑफ एच तो मैं आपका बेस क्लियर करना चाह रहा हूँ सवाल वापस रिपीट कर दू सवाल है इज को पार्सनर ऑफ एच यू एफ एंड मेंबर ऑफ एच यू एफ वन एंड द सेम थिंग एनी वन ऑनलाइन जल्दी से बताइए जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं आपका प्यार मेरे से दूर क्यों है आप मेरे से दूर क्यों है मेरा भाई कह रहा है मनमोहन भाई कह रहा है नहीं सर ये दोनों अलग अलग है चलिए आज मस्त चीज सिखाऊं आपको सुनो मेरे घर के बारे में बता देता हूँ देखिए मान लीजिए ये है हमारे पप्पा और ये हमारी प्यारी सी मम्मी बराबर है भगवान की कृपा से और इन दोनों की मेहनत से इन्हें तीन बच्चे हुए एक का नाम था विनय एक का नाम था विवेक और तीसरे का नाम है आपके विज्जू सर ठीक है भगवान की दया और इनकी मेहनत से इन्हें तीन बच्चे हुए विनय विवेक विजय सपोज कीजिए इनने अपना एचयूएफ बनाया हम तीन कौन बनेंगे मेंबर या को पार्सनर हम तीन बनेंगे को पार्सनर बढ़ती उम्र के साथ विनय ने प्रियंका से शादी करी विवेक ने शीतल से शादी करी और विजय ने पल्लवी से शादी करी अब ये हमारे घर के थे नहीं पर शादी होने के बाद यह हमारे घर के क्या बन गए मेंबर क्लैरिटी समझ में आई क्या अगर आप परिवार के व्यक्ति हैं आप क्या बनते हैं को-पार्टनर अगर आप बाहर के हैं और परिवार का पार्ट बन गए तो आप क्या बन गए मेंबर ऑफ एच तो सर इन दोनों के राइट्स में क्या डिफरेंस है हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं भाई साहब हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं हिंदू लॉ में पार्सनर कैन डिमांड अ पार्टीशन मेंबर कान डिमांड अ पार्टीशन सेक्शन 174 पढ़ेंगे हम पार्टीशन ऑफ एच से रिलेटेड तब ये पॉइंट फिर से डिस्कस होगा हम हिंदू लॉ में हैं हिंदू लॉ के अंदर में हमारे घर की सेनाई सिखाई गई है सनातन धर्म के अंदर में सिखाया गया है जनरली बहुएँ बहस नहीं करती वो घर के मैटर्स में पढ़ती नहीं अगर झगड़ा भी हो रहा है बाप और बेटे का वो बीच में नहीं बोलती ये हमारे यहाँ कल्चर है इसीलिए मेंबर के नॉट डिमांड अ पार्टीशन वो बीच में बोलेगी नहीं जितना बोलना है अपने पति को बोल पति तेरा हैंडल करते बैठेगा इधर समझ में आ रहा है उसके प्राण ले बीच में घर के अंदर में कलेश करने का नहीं

हाउ टू क्रिएट एन एच ओ एफ एच ओ एफ के लिए कहा तुमने आर्टिकलशिप करी भाई इन डी टी में तुमने तीन साल आर्टिकलशिप करी है ठीक है हाँ हाउ यू क्रिएट एन एच यू एफ नहीं मतलब मैं आपके मजे नहीं ले रहा हूँ पर हाँ मैं आपके मजे जरूर ले रहा हूं मुझे पता है हाउ यू क्रिएट एन एच ओ एफ तो जवाब इसका आपको भी नहीं बताया बहुत बढ़िया सुनिए एच क्रिएट होता है seven time ringa ringa roses से। से। से कैसे शुरू होता होता है? है। सर मतलब शादी, शादी के साथ फेरे। H -F marriage से स्टार्ट होता है। आपने जो बचपन में पढ़ा है वो गलत है सर क्या बात कर रहे हो गलत बोल रहे हो आप हंड्रेड परसेंट गलत है क्योंकि पहली बार जब मैंने भी इसको समझा तो मेरे को समझ में आ गया जो इलेवेंथ में मुझे बताया गया ये वैसे वर्क नहीं करता जो स्टार्ट करता है हमें क्या बताया गया है एक ओल्ड बिजनेस होता है ठीक है फिर मेंबर इसका पार्ट बन जाते फिर एक करता होता है घर का बूढ़ा व्यक्ति इस तरीके की, की चीजें हमें दिखाई गई है कुछ मिनस आपके बहुत क्लियर कर दूँ जरूरी नहीं घर का बूढ़ा व्यक्ति ही करता हो वो अपना ये पावर किसी यंग व्यक्ति को दे सकता है और बोल सकता है अब मैं सांसारिक मोह से बाहर हूँ अब अपन राम नाम जपेंगे समझ में आ रही बात दूसरी बात हाउ टू क्रिएट एन एच यू एफ एच यू एफ क्रिएट होता है मैरिज से द मोमेंट आपका मैरिज हुआ यू आर एलिजिबल टू क्रिएट एन एच यू एफ एच यू एफ के लिए देर इज नो रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का जरूरत ही नहीं है जैसे आप प्रोपराइटर बनाते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है एच यू एफ में ऐसा कुछ भी नहीं है एच यू एफ में द मोमेंट आपकी शादी हुई आपके पास शादी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जा करके आप ज्वाइंट मारना नहीं है ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करना है ज्वाइंट बैंक अकाउंट मतलब हस्बैंड और वाइफ के नाम से एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट एच का नाम सेलेक्ट कर दीजिए जैसे विजय पल्लवी एच तो एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन हो गया ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसे डाल दीजिए ये आपके लिए बिजनेस का कैपिटल माना जाएगा और तीसरी चीज इस ज्वाइंट बैंक अकाउंट के बाद आप इस एच का एक सेपरेट पैन ले लीजिए क्लैरिटी क्या एच का सेपरेट पैन बनता है येस yes. तो विजय का पैन अलग पल्लवी का पैन अलग एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट अलग बनेगा समझ में आ रही है ज्वाइंट पैन अलग आएगा जिसको एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी क्योंकि Huf को आप एक सेपरेट पर्सन मान रहे हो तो विजय का रिटर्न अलग भरा जाता है पल्लवी का रिटर्न अलग भरा जाता है, और हमारे जो Huf का रिटर्न क्लैरिटी है, है yes. तो Huf? Huf सिर्फ आपको शादी करने की जरूरत है आपके पास एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए और तीसरा पैन द मोमेंट आपने पैन लिया आप इनकम टैक्स में एंटिटी क्रिएट होगा एज एन एच यू एफ समझ में आ रही बात अच्छा जी सर किसी के मन में सवाल उठ सकता है सर मेरी दो शादी हुई तो कैन आई हैव हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं दो नहीं होती एक ही दो के बराबर होती है <laughs> समझा है समझ आ रही तो हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं यहां पे दो हमारे जलाउड नहीं है तो ये जो क्वेश्चन है ये वेग है दूसरा सर मुझे एक बात बताइए <laughs> मान लीजिए मैंने पहले शादी करी उसके साथ मेरा ड्राई वॉश हो गया और मैंने दूसरी शादी करी तो फिर पहली वाली एच बंद कीजिए सर कैसे बंद करेंगे पैन कार्ड सरेंडर गेम ओवर सरेंडर द पैन कार्ड गेम ओवर दूसरा एच का अपना नया पैन कार्ड बना लीजिए गेम ओवर समझ में आ रही बात तो हम यहाँ दो शादी नहीं कर सकते पहले वाले से प्रॉपर तलाक लेना पड़ेगा और फिर दूसरी शादी आपको करनी पड़ेगी अच्छा जी सर सर मुझे एक बात बताइए हिंदू में कौन कौन कवर होता है मतलब इनकम टैक्स पर्पज के लिए हिंदू में कौन कौन कवर होता है इज जैन ऑल्सो हिंदू सिख ऑल्सो हिंदू इनकम टैक्स ने इतना स्मार्ट काम किया कहीं कम्युनल राइट्स ना हो जाए इसलिए उन्होंने पहली बात तो हिंदू डिफाइन ही नहीं किया पर यह बात जरूर कह दी हिंदू इंक्लूड्स जैन एंड सिख तो जैन एंड सिख कम्युनिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ हिंदू पर अदरवाइज हिंदू क्या है वो उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया इन ऑर्डर टू अवॉइड कम्यूनल राइट समझ मारी बात बट हाँ ये जरूर बता दिया जैन एंड सिख आर पार्ट ऑफ हिंदू अच्छा एक और बात बताइए वट आर देनिफिट ऑफ एच यू एफ डिस्कस कर ही रहे हैं तो यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि एच यू एफ बनाने का बेनिफिट क्या है बताओ बताओ अगर एच यू एफ कोई बनाता क्यों है पॉइंट नंबर वन इसे सेपरेट पर्सन माना जा रहा है अगर इसको सेपरेट पर्सन माना जा रहा है तो इसको भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है तो विजय का ढाई लाख का लिमिट अलग पल्लवी का ढाई लाख का लिमिट अलग एंड एच का ढाई लाख का लिमिट अलग दूसरी बात इसे भी डिडक्शन मिलते हैं अंडर चैप्टर सिक्स ए सिक्स ए के डिडक्शन इसको भी मिलते हैं और ध्यान से समझिए विजय टीचिंग में है और विजय को बिजनेस में एंटर करना है विजय कभी खुद के नाम से ये करेगा ही नहीं पूछो क्यों क्योंकि विजय का बेसिक एग्जाम से लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है तीस परसेंट ऐसे टैक्स लगेगा विजय अपने फ्रेंड को बोलेगा या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेगा मेरा एच क्रिएट कर बराबर है उसके अंदर में ये बिजनेस इनकम बुक कर सो so, मान विजय ने प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस चालू किया तो विजय कभी भी उसको अपने इनकम में रजिस्टर ही नहीं करेगा उसको एच की प्रॉपर्टी बनाएगा और एच से क्या करेगा रिकवर करेगा ताकि विजय को एक्स्ट्रा ढाई लाख तक की इनकम पे टैक्स सेविंग मिल जाए विच आफ्टर यू नो डिडक्शन एग्जम्शन पांच लाख तक के और टैक्स कहीं ना पांच लाख तक की इनकम पे वो कहीं ना कहीं क्या कर पाएगा टैक्स सेव कर पाएगा समझ में आ रही बात तो ये एक बेनिफिट है अच्छा तीसरा क्या होता है तीसरा क्या होता है जनरली जनरली इसके ऊपर असेसमेंट्स नहीं आते रीज़न क्योंकि अब एच उतने कॉमन है ही नहीं रिसेंट टाइम्स में एच बहुत कम हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है आगे चल के शायद इनकम टैक्स इस कंसेप्ट को भी डिलीट कर दे क्यों क्योंकि पहले ये बहुत अच्छे से बनाए जाते थे अब ये नहीं बनाए जाते एंड इसका सोल पर्पज बहुत क्लियर है टैक्स प्लानिंग बहुत क्लियर है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समझता है कि ये बहुत सोल टैक्स प्लानिंग है लेकिन हमारा कल्चर हमेशा से ऐसा रहा है वो इसको इमीडिएट वेव ऑफ नहीं कर सकते हमारा कल्चर हमेशा से ये रहा है हिंदूज़ में कि एक बिजनेस है एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली इज़ इन टू दैट बिजनेस इसलिए इसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी कहा जाता था बराबर है क्योंकि उससे उसी से सबका इनकम चलता था इसी के लिए इसको तुरंत वेव ऑफ तो नहीं किया जाएगा बट मुझे लगता है आगे चल के जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है उस तरीके से एचओ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यह है स्पेसिफिकली इस गवर्नमेंट को देखते हुए कि आप तुरंत अपना एच बना के रखें भले ही उसमें एज ऑफ नाउ बिजनेस करें ना करें पर अपना एचओएफ जरूर क्रिएट करवा के रखवा दे अगर आपके फैमिली में बिजनेस है तो ये आ जाओ <coughs> ये एचओ के कुछ बड़े बेनिफिट्स हैं हम्म क्या आपको जानते हैं एक और चीज़ देर आर टू स्कूल्स ऑफ एच यू एफ ये सब मैं आपका बेसिक सभी क्लियर कर रहा हूं ताकि बाद में जाके हम सिर्फ टैक्सेशन पर डिस्कस करें हाँ देर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदूस अगर आप हिंदू हैं आप मुस्लिम भी हैं तो जनरल नॉलेज रखिए आप कोई और क्रिश्चियन या अदर कम्युनिटी से आते हैं जनरल नॉलेज रखिए बट अगर आप हिंदू हैं तो मैं आपको ये जानना ही चाहता हूं कि वट आर द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ा है आपने ये भी बता दू टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ एनी दया भागा मिताक्षरा कहीं आपने सुना हो तो दया भागा एंड मिताक्षरा दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ देर आर टू थॉट्स दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ ये वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है बराबर है आपको खैर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है बट सिंस अच्छा रेगुलर लेक्चर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा और यही बेनिफिट भी है रेगुलर लेने का यू गेट एक्स्ट्रा यू गेट एक्स्ट्रा जो फास्ट ट्रैक में नहीं आता एंड बिलीव मी फास्ट ट्रैक से शायद आप एग्जाम क्लियर कर लें मैं खुद देता हूँ फास्ट ट्रैक से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बट जो रियल लाइफ में आपको

ये किस में एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में दोनों के बीच में प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में प्रिंसिपल डिफरेंस ये है को पार्सनर कैन डिमांड पार्टीशन एट वट टाइम इस बारे में दोनों के स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग है ये yes सोनो no? हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एच यू एफ इज अ सेपरेट पर्सन एंड क्रिएटेड एच यू एफ फ्रॉम दया भाग और मिधाक्षरा डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन इनकम टैक्स क्लियर है

एल एल पी कवर नहीं होते उसमें क्लियर कट इंडिविजुअल कवर होते हैं एच कवर होते हैं फर्म कवर होता है एल एल पी कवर नहीं होते सो so, पूरे इनकम टैक्स के लिए जहां जहां पे भी वर्ड आएगा फर्म वहां वहां पे एल एल पी वर्ड कन्फर्म आएगा पर दो सेक्शन में एल एल पी इंक्लूड नहीं होगा फर्म में वो है फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडीए वापस से सुनिए पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां पे भी फर्म आया बाई डिफॉल्ट में आप एल एल पी को ध्यान में रखिएगा सिर्फ दो सेक्शन छोड़ करके फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडी क्योंकि उसमें एल एल पी कवर नहीं होता अच्छा जी एक मिनट मुझे सब्जेक्टोरियल डिस्कशन करना है दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड अ एल एल पी फिर से आपको बता दूं देर इज अ सेपरेट चैप्टर इन सीए फाइनल टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड टैक्सेशन ऑफ एल एल पी हाँ यह पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू के अंदर में आता है जबकि ये एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एंड एट के अंदर में आता है दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया सेकेंड क्राइटेरिया मैं आपको याद दिला दू सेकेंड क्राइटेरिया जो है इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाना पड़ता है एल के जितने कंप्लाइंस होते हैं वो एम से होते हैं ठीक है तीसरा जो आप कंफर्म कहेंगे इसकी जो लाइबिलिटी होती है ये कैसी होती है लिमिटेड और इसकी जो लाइबिलिटी होती है ये कैसी होती है अनलिमिटेड बराबर सॉरी उल्टा लिखते वक्त अनलिमिटेड लाइबिलिटी और यहां पे कैसी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी क्लियर पक्का लिमिटेड लाइबिलिटी अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिस चक्कर में सेक्शन 167 सी ऑफ इनकम टैक्स को लाना पड़ा सपोज करिए अभिषेक जावरे ऋषभ जैन विजय सारडा दर्शन खरे इन चारों ने मिलकर के एक एल बनाई और एल के ड्राफ्ट में लिख दिया द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज टेन थाउजेंड बराबर सपोज चारों ने मिलकर के दस करोड़ का बिजनेस किया चारों ने मिलकर के कितने का बिजनेस किया दस करोड़ का बिजनेस किया जिसपे टेंटेटिव टैक्स लाइबिलिटी लगभग मान करके चलिए आप कि तीन करोड़ आ रही थी अब जैसे ही एओ टैक्स मांगने के लिए आएगी जैसे एओ टैक्स मांगने के लिए आएगी हम तो बोल देंगे हमारी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने पर रिस्ट्रिक्टेड है टेन थाउजेंड इस लाइबिलिटी को बेर एल एल पी को ही करना है डोंट मिसअंडरस्टूड इट ठीक है हम तो क्या बोल देंगे कि भैया ये तो दस हजार पे लिमिटेड है गेम ओवर, अंडरस्टैंड द लाइबिलिटी इज लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर आस्पेक्ट्स परपज ऑफ इनकम टैक्स द लाइबिलिटीड क्लियरली रिटर्न इन सेक्शन से जो लिमिटेड लाइबिलिटी क्राइटेरिया है ना ये इनकम टैक्स पे अप्लाई नहीं करता यहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटी है यह ज्वाइंट एंड सेवरल है और यहां पर आपको पूरा ही टैक्स देना होगा सो so ये जो एल एल पी वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइबिलिटी आप लिमिटेड बोल रहे हैं ये इनकम टैक्स परपज के लिए लिमिटेड नहीं है सोटरडे मालिक चलिए ये तो फॉर्म इनक्लूड्स एल एल पी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फोर्टी फोर एडी एडी क्लियर है कंप्लीट नहीं कर रहा हूं नहीं हो सकती इस पर बहुत डिस्कशन बाकी है कल हम इसके और discussion लेंगे। आज हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्टेंट पढ़ा आज के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी क्लियर है जाकर के बस एक बार देख लेना मैथ्स आपको पंद्रह मिनट लगेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आज ही इसे खत्म कर देना क्योंकि डी टी में अगर पाइलअप शुरू हुआ तो यह खत्म नहीं होने वाला दूसरी बात कल से प्लीज आप एक रजिस्टर कैरी कीजिएगा राइट जितने लोग यूट्यूब के ऊपर है अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं कुछ ही लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर आएंगे बहुत हो गया तो पहला चैप्टर यूट्यूब के ऊपर आएगा और उसके बाद हम इस पर शिफ्ट हो जाएंगे राइट रजिस्टर रखिए प्लीज कल से कैलकुलेटर अपने साथ कैरी करिएगा कैलकुलेटर तीसरा प्लीज कीप अ अटर एंड अगर पॉसिबल है तो मल्टी कलर पेन ताकि आप अच्छे से लिख सको इतना है काफी है डन अगर आप ऑनलाइन है और आप फेस टू फेस में आकर के बैठना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम आकर के बैठ जाओ कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो आकर के बैठ जाते हैं यस चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर बाय बोलो